हेलो एवरीवन राधे राधे आज के इस लाइव सेशन में मैं आप लोगों को सीए फाइनल एफआर और एएफएम का एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और मे 24 एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करी जाएगी अब लास्ट मोमेंट के अंदर उसकी पूरी गाइडेंस आपके इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने जा रहा हूँ तो अपन पूरा अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे क्या क्या आपको प्रायोरिटी रखनी है और किन टॉपिक्स पे किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके शानदार मार्क्स ला सकें तो देखिएगा ये ए बी सी एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और जो भी हमारी तरफ से गाइडेंस वगैरह होती है ये हम लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन चैनल है ए आई आर वन सी गाइडेंस एंड नोट्स वहां पर भी शेयर करते हैं और हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं अतुल सर का मेरा सुरेंद्र सर का वहां पर भी हम शेयर करते हैं तो आप वो एग्जाम्स तक ज्वाइन करके रखा करिए वहाँ पर पूरी अपडेट्स आती रहते हैं तो यहाँ पर एक बार के लिए मैंने अपने जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है वहाँ शेयर भी करवा दिया एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने शेयर करवा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट एबीसी एनालिसिस एफ का और इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगे ए आई आर वन सी या फिर ए आई आर वन सी अतुल या सुरेंद्र सर आप किसी के भी हैंडल पे चले जाना वहाँ पे ये पूरी लिस्ट शेयर हो चुकी है बी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेकिन वहाँ पे लिस्ट शेयर हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि चलो सर आपने तो काम कर दिया अब आप निकलो हम जाके लिस्ट रेफ़र कर लेते हैं आपका वीडियो देख के टाइम बर्बाद नहीं करना तो ये वीडियो मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं बना रहा क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है मेरा टाइम भी कीमती है तो टाइम वेस्ट अपने को करना ही नहीं है वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है कुछ तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि ठीक है लिस्ट आ गई रेफर करी और वीडियो कर दिया किनारे ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस लिस्ट

लेना बाकी लिस्ट शेयर करी जा चुकी है की तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम के ऊपर की भी अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी बाकी क्या, -क्या, क्या चीजें हैं दोनों सब्जेक्ट के अंदर, किस तरीके से समझना है, है वो सारी चीजें समझाता जाता हूं एग्जाम तक ही ऐसा तो है नहीं है एग्जाम के बाद चैनल है उसको फॉलो मत करना लेकिन एग्जाम तक आप फॉलो कर लो ये सारी चीजें तो आपको पूरी गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी देखिए सबसे पहले अपन एफ आर के एबीसी एनालिसिस की बात करें एफ आर सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं तो एफ आर का एबीसी एनालिसिस मे 24 फोर एग्जाम के लिए जो कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज के लिए बता रहा हूं कोई ऐसा सोचे कि मेरे को तो डिटेल में पढ़ना है आने वाले फ्यूचर में कभी अटेम्प्ट तो उसके लिए नहीं है मे ट्वेंटी फोर जो अब से एक सवा महीने बाद एग्जाम है तो एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी मटेरियल और रिसोर्सेज क्या क्या आपको रेफर करने है किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले एफ का जो पेपर पैटर्न है अब वो कैसा रहेगा तो आपको मालूम है ये न्यूज

तो ये तो आपका काम इजी हो जाएगा जो आप डिटेल में सॉल्यूशन करते थे वो डायरेक्टली उसमें फिल करोगे अब देखिए जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा तो पेपर पैटर्न जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी वगैरह रिलीज करी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं जो पेपर पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव का वो वैसा का वैसा रहेगा जैसे पहले था यानी आपके टोटल सिक्स क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी होगा और रिमेनिंग फाइव क्वेश्चन में से आपको कोई भी फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सेम टू सेम वही पैटर्न हर क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स का रहेगा हर क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स का यानी क्वेश्चन का क्वेश्चन टू फोर्टीन

जो बाइफर्गेशन हो सकता है क्वेश्चन वाइज इस तरीके से रहने वाला है मेजरली एफ आर के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं अभी अपन एफ आर का डिस्कशन कर रहे हैं पूरा का पूरा तो लगभग इस तरीके से आपका बाइफर्गेशन रहेगा ये होगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्वेश्चन वन कंपलसरी रिमेनिंग फाइव में तो कोई भी चार क्वेश्चन आपको करने होंगे एमसीक्यू जो है वो सर कैसे रहेंगे वो पूरे के पूरे कंपलसरी होंगे थर्टी मार्क्स के टू टू मार्क्स का हर एमसीक्यू का एक एमसीक्यू दो नंबर का होगा टोटल पंद्रह एमसीक्यू आएंगे ये तो आपको दिमाग में बैठा लेना है पंद्रह एमसीक्यू आने वाले हैं अब सर वो एमसीक्यू कैसे आएंगे सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं क्या करने में लगे हुए एमसी क्यू के लिए एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था ऑलरेडी अपने प्रोस्पेक्टस में दे दिया था जब न्यू स्कीम लॉन्च करी थी बहुत बार इन्होंने अलग अलग जगह कम्युनिकेट किया कि एमसीक्यू सिर्फ केस सिनेरियो बेस्ड आने वाले हैं केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू यानी कोई इंडिविजुअल एमसीक्यू नहीं आएगा कि एक पॉइंट उठा के दे दिया और इस पे चार ऑप्शन दे दिए ऐसा नहीं एक पूरा परफेक्ट पूरा क्वेश्चन होगा और उस उसपे चार पांच एमसीक्यू पूछे जाएंगे यानी एग्जाम में तीन या चार केस सिनेरियो आएंगे टोटल एमसीक्यू के लिए तो एक एक केस सिनेरियो के ऊपर चार पांच एमसीक्यू पूछ लिए एक पे चार पांच पूछ लिए इस तरीके से पूछने वाले हैं तो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आएंगे इंडिविजुअल एमसीक्यू नहीं आएगा ये माइंड में फिट बैठा लो ये इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है मैं खुद से नहीं बोल रहा है इंस्टीट्यूट बोला हुआ है और मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका और बच्चे इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं पता नहीं मार्केट में से हजारों बुक ले आ रहे हैं कोई टीचर अपनी अलग एम सी बुकलेट निकाल रहा है लो मेरी बुकलेट से पढ़ लो एक बंदा बोल रहा है मेरी बुकलेट से पढ़ लो एक बंदा बोला है लो इंस्टीट्यूट के मैंने सारे इंडिविजुअल वाले एमसीक्यू कंपाइल करके दे दिए तो आपने तो उसमें भी टाइम बर्बाद कर दिया इंडिविजुअल वाले तो करने ही नहीं थे एमसीक्यू वो क्यू टाइम बर्बाद करने के लिए सिर्फ केस सिनेरियो बेस्ड आने तो था केस सिनेरियो बेस्ड की प्रिपरेशन कैसे क्या होगी वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ये पेपर पैटर्न की अपनी बात हुई है धीरे-धीरे अपन समझते जाएंगे और कैसे क्या आपको करना है प्रिपरेशन में तो मटेरियल एंड रिसोर्सेज प्रिपरेशन कैसे करनी है मटेरियल क्या-क्या रेफर करने हैं आपको एफआर के लिए वो देख लीजिए सबसे पहले आपको कांसेप्ट नोट्स रेफर करने हैं आपको कंसेप्ट नोट्स रेफर करिए जिसमें कंसेप्ट लिखे होंगे हर चैप्टर के हर टॉपिक के तो कंसेप्ट नोट्स हमारे जो हैं वो वेबसाइट पे ए आई ए वन सी ए डॉट कॉम पर अवेलेबल है एफ आर के मैंने फ्री पी डी एफ दे रखी है ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ठीक है फ्री पी डी एफ ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में अगर आपको कलर चाहिए तो वो हार्ड कॉपी में ही अवेलेबल होती है बाकी कलर ज़्यादा बेटर रहती है और अगर आपका सेकेंड ग्रुप भी है जिनको आई बी एस के लिए पढ़ना है तो उनको तो कंसेप्ट नोट्स रेफर करने हैं तो उनके लिए तो कलर ही, ही बेटर रहेगा ताकि आप डायरेक्टली रेफर कर पाए तो मेरा सजेशन तो हमेशा वही रहता है क्योंकि वो कलर फॉर्म में हार्ड कॉपी डायरेक्टली तो वो आप रेफर करें बाकी आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी जाके आप चेक कर सकते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है वो रेफर करना है नोट से आपने प्रोविजन पढ़े क्वेश्चन बैंक से आपको सारे क्वेश्चन देखने होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन मेरा कोई स्पेशल क्वेश्चन इसमें नहीं होता इंस्टीट्यूट के अभी तक के सारे क्वेश्चन होते हैं स्टडी मैट आरटीपी एम टी पास्ट एग्जाम वगैरह वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक सिर्फ हार्ड कॉपी में अवेलेबल होता है इसकी कोई पीडीएफ फॉर्म में कभी भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है सिर्फ हार्ड कॉपी में अवेलेबल है कॉपी होता है ये पूरा नोट्स भी कॉपी है बट एफ के फिर भी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में फ्री आपको पी शेयर करवा रखी है इसके बाद आपको रिवीजन वीडियोज़ रेफर करने हैं एफआर के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके मैंने डिटेल्ड रिवीजन वीडियो बना के यूट्यूब पे आपको फ्रीली प्रोवाइड करवा रखे हैं आप बस यूट्यूब पे चले जाइए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो रिवीजन वीडियो सुनने हैं तो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे रिवीजन वीडियो सुनो सपोज आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर स्टार्ट करना है तो रिविजन वीडियो सुना आपने उसके नोट्स पढ़े फिर उसके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन गो थ्रू कर लो आपका पूरा चैप्टर एकदम परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इस तरीके से हर चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है एफ के अंदर सिर्फ ये तीन चीज़ें रेफर करनी है रिविजन वीडियो कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपका पूरा सब्जेक्ट एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ देखो यूट्यूब पे अगर अपन YouTube पे जाओगे आप अतुल अग्रवाल नाम से जो हमारा चैनल है YouTube चैनल इसमें प्ले में देखो एफ आर रिविजन लेक्चर्स ये आपको मिल जाएंगे मे नंबर 24 इसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर इंडिया साइज पूरी प्ले लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी प्ले लिस्ट है देख लो इसके अंदर सारे चैप्टर्स के आपको रिविजन वीडियो मिल जाएंगे जो भी है और इसके अलावा जो न्यू आ, दो चैप्टर इंट्रोड्यूस किए थे इंस्टीट्यूट ने उनके भी मैंने आपको फुल वीडियो यहाँ पे एक्सेस दे दिया था ये प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी ये भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है तो यहां पे देख लीजिए ये आपको रेफ़र करने हैं यूट्यूब से प्लेलिस्ट रेफ़र कर लेना यह आपका काम यहाँ से हो जाएगा तो ये तीन चीजें आपको रेफर करनी है सब्जेक्ट के लिए अब सर एमसीक्यू के लिए क्या करना है तो एमसीक्यू के लिए कोई भी मटेरियल या बुकलेट मार्केट से मत उठाओ कुछ भी नहीं करना आप सोचो कि इस टीचर ने लॉन्च कर दी तो इसकी बुक मांग लू इसकी बुक मंगवा लेता हूँ सबकी बुक प्रैक्टिस करता रहता हूं हजार एमसीक्यू दो एमसीक्यू किसी की कोई बुक नहीं मंगवानी ना ही मेरी कोई बुक आएगी कुछ भी बुक नहीं मंगवानी एमसीक्यू के लिए कभी भी अलग से प्रिपरेशन नहीं होती कंसेप्ट नोट्स क्वेश्चन बैंक कर लोगे सारी कवरेज इसी में से होगी इससे बाहर कुछ भी नहीं आना आपका कोई भी एमसीक्यू पूरी कवरेज इससे होनी है केस सीनियो बेस्ड एमसीक्यू होंगे जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वही बनेंगे। वही बन जाएगा में पूछ लेगा मान लो का है वहां डाल दिया और बोल कि गुडविल निकाल दो एनसीआई बता दो कितना है बस ये काम होने वाला है तो आपको कोई भी एमसीक्यू के लिए कोई बुकलेट या कोई भी मटेरियल लेकर टाइम बर्बाद नहीं करना मार्केट में बहुत सारी बुक आपको अवेलेबल हो जाएंगी टीचर्स निकालते रहेंगे पर आपको उन पर कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना आप बोलोगे सर आप हर बार ऐसे करते हो दूसरे टीचर्स का ऐसे नाम लेते हो मैं आपका सिर्फ टाइम बचाना चाहता हूँ आपको सही गाइडेंस देना चाहता हूँ इसलिए मुझे बोलना पड़ता है मुझे कोई इसमें शौक नहीं मिल रहा मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा कि मैं अपनी एम सी बुकलेट आपको बेच रहा हूँ मैं सिर्फ आपको बचा रहा हूँ दूसरी जगह से जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो या पैसा बर्बाद कर रहे हो तो उस पर कुछ भी नहीं करना एम सी के लिए फाइनल क्लैरिफिकेशन है सिर्फ कंसेप्ट नोट्स क्वेश्चन बैंक पढ़ो एम सी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे अगर ढंग से आपने पढ़ाई करिए कुछ भी स्पेशल प्रिपरेशन नहीं और केस सीनरी बेस्ड एम सी आएंगे इंडिविजुअल कुछ भी नहीं आने वाला है पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया इसके अलावा इंस्टीट्यूट एफ में कुछ जगह राउंडिंग ऑफ सर पीवी फैक्टर में राउंडिंग ऑफ कैसे करता है या फिर कुछ जगह इंस्टीट्यूट लेता है कि लीज पेमेंट बिगनिंग है एंड है ये सब एजम्पन कैसे ली जाती हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक यूट्यूब पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है वो वीडियो देख लेना उसमें सारी एजम्शन इंस्टीट्यूट कैसे राउंड ऑफ करता है वो सब बताया हुआ है तो वो अगर आप देख लोगे तो उस पर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी वो आप देख लेना एक बार यह आप देख लीजिएगा तो इससे इसके ऊपर भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जिन्होंने क्लास रेगुलर वाली देखी होगी उसमें तो बताया हुआ है जिन्होंने रेगुलर क्लास नहीं देखी उनको यहां पे इसमें दिया हुआ है मैंने इस वीडियो के अंदर बोला हुआ है तो यह आप रेफर कर लेना तो यूट्यूब वीडियो आपको रिवीजन वाले सुनने हैं और नोट्स क्वेश्चन बैंक रेफर करने हैं कंसेप्ट नोट्स क्वेश्चन बैंक भी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वेबसाइट पे देखो फ्री रिसोर्सेज में एफआर के जो कन्सेप्ट नोट्स है ना वो तो फ्री रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में कलर में चाहिए तो वो सिर्फ हार्ड कॉपी मोड में है बाकी कलर प्रेफरेबल रहते हैं उसमें पढ़ाई आप आराम से अच्छे से कर सकते हो इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है वो हार्ड कॉपी में अवेलेबल है वेबसाइट पे वो भी दिख जाएगा आपको और एक जो हम एग्जाम डे वैलिडिटी बैच लेके आते हैं वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है डीटीआईडीटी DT का तो हमने करवा दिया था एफआर आर की भी क्वेरी आ रही थी स्टूडेंट्स की तो वो भी मैं दो तीन दिन के अंदर करवा दूंगा और ए एफ एम के रिगार्डिंग भी आ रही है क्वेरीज तो उसका बाद में होगा उसका अभी नहीं बता रहा मैं उसका थोड़े टाइम बाद कर देंगे तो अभी एफ का तो आ जाएगा दो तीन दिन के अंदर वो भी आप देख सकते हो उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन वगैरह का एक्सेस दे दूंगा तो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो बस उसका ये मत करना कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि बस ये वन मंथ वैलिडिटी में हम नवंबर के लिए भी अभी पढ़ लेते हैं उस बैच को लेकर या मई ट्वेंटी है तो अभी पढ़ लेते हैं वो स्टूडेंट बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि उनके लिए कोई भी अमेंडमेंट्स या कोई भी एक्स्ट्रा चीज बिल्कुल नहीं मिलने वाली है उनको फिर बाद में वो परेशान होंगे कि सर अब ये दे दो वो दे दो कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें हम पहले से बता के रखते हैं सिर्फ मे ट्वेंटी के लिए आते हैं एग्जाम डे वैलिडिटी बैच तो ये भी ध्यान रख लेना ये

तो ये चीज़ मैंने आपको मटेरियल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बता दी अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एबीसी एनालिसिस अब आपका एफ का आप एबीसी एनालिसिस देखिए एबीसी एनालिसिस क्या है एफ का तो एबीसी एनालिसिस मैं आपको पूरा दिखाऊँ उससे पहले एक बात बता देता हूं एबीसी एनालिसिस के बारे में बहुत स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं एबीसी एनालिसिस का ऐसा समझते हैं कि फालतू चीज़ होती है एबीसी एनालिसिस का मतलब ए कैटेगरी पढ़ो और आप एग्जाम में पास होने वाले हो मतलब जो इंस्टीट्यूट का वन मार्क्स का पेपर आता है जिसमें हंड्रेड मार्क्स का हमें अटैम्प्ट करना है उसमें से सारा का सारा पेपर एक कैटेगरी में से आएगा आप यह कहना चाहते हो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर ऐसा होता तो इंस्टीट्यूट पागल जो थोड़ी है जो इतना बड़ा सिलेबस बना रखा है इतने सारे चैप्टर्स दे रखे एफ आर में टोटल अगर आप काउंट करोगे तो थर्टी चैप्टर्स बनते हैं सर इंस्टीट्यूट ने तो सत्रह अठारह चैप्टर दे रखे थर्टी फोर चैप्टर कैसे यूनिट बना रखी है ना नो, उन्होंने तो इंडियस काउंट करें या रेस्पेक्टिव चैप्टर्स काउंट करें तो इनका टोटल थर्टी फोर आएगा आपका एफआर के सिलेबस का तो सर इंस्टीट्यूट पागल थोड़ी है जो थर्टी फोर चैप्टर्स दे रखा है और आप बोलो कैटेगरी ए में एफ आर में मैंने एट चैप्टर्स लिए हैं सिर्फ यानी सर आठ चैप्टर कर लो पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा ऐसा नहीं होता एबीसी एनालिसिस का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा जो लोग बकवास करते हैं ना मार्केट में आके या तो किसी के बिहाफ पे करते हैं या उनको बस कोई पर्सनल ऐसे दुश्मनी होती है बस उनको नेगेटिविटी फैलानी है उन लोगों की मर्जी है बाकी एकदम साफ साफ लिखा होता है इसका मतलब होता है प्रायोरिटी किसको देनी है प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है थर्टी फोर चैप्टर्स हैं तो भाई आपको डेढ़ दिन में रिवाइज करना है डेढ़ दिन में किसी के बस की नहीं होती कि सारे के सारे थर्टी फोर चैप्टर्स देख सके कोई भी इंसान ऐसा बना ही नहीं है मैं भी अपने टाइम पे जब रिवाइज करने बैठा था तो मुझे मालूम है जब मेरा ऑडिट का पेपर था मेरे सारे के सारे जो ऐसे थे ना वो रिवाइज करने से रह गया था मुझे मालूम है क्या हुआ था उस टाइम पे तो आप लोगों को उन सब चीज़ों से मैं बाहर निकाल के बचाना चाहता हूँ कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है तो 34 चैप्टर्स में प्रायोरिटी किसको देनी है वो होता है एबीसी एबीसी का मतलब सबसे पहले एक कैटेगरी चैप्टर्स करने हैं आपको क्योंकि एक कैटेगरी चैप्टर्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल चैप्टर्स होंगे कम उनके मतलब वो कम चैप्टर्स होंगे और ज़्यादा वेटेज उनका होगा बी कैटेगरी में ऐसे चैप्टर्स होंगे जो थोड़े ज़्यादा होंगे वेटेज ए कैटेगरी से थोड़ा कम होगा और सी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होंगे लेकिन वेटेज उनका सबसे कम होगा सिलेबस के अंदर तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे यानी जब आप रिविज़न कर रहे होे ना सपोज आपने रख दिया कि फाइव डेज में एफ करनी है तो उसमें फाइव डेज में आप प्रायोरिटी किसको दोगे सबसे पहले ए कैटेगरी फिर बी और फिर सी यानी अगर हमारे चैप्टर छूटे तो कौन सा छूटे सी कैटेगरी अभी आपको वेरीफाई करवाता हूं कि इसका फायदा क्या होता है जो लोग इसको बकवास समझते हैं इस चीज को या गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं क्या फायदा होता है तो सबसे पहले देखिए आपको ए कैटेगरी चैप्टर्स करने हैं फार में टोटल एट चैप्टर्स है सिर्फ ये आठ चैप्टर मैंने एक कैटेगरी में डाले हैं एफआर के ये आठ चैप्टर में से हर चैप्टर में से कंफर्म एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कंफर्म एक क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाला है इन आठ चैप्टर में से एग्जाम में यानी इनका वेटेज होगा 60 टू 70 मार्क्स इनमें से तो आपको कुछ भी छोड़ना ही नहीं है इनमें से तो कुछ भी छोड़ना ही नहीं है ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं ये होगा 60 टू 70 मार्क्स का वेटेज रखेंगे ये चैप्टर में क्या है अब इन चैप्टर में भी मैंने सीक्वेंस बना के दिया है इसी सीक्वेंस में आप इनको रिवीजन करने बैठना जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो इसी सीक्वेंस में करना जो सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखा है वो सबसे बेटर रहेगा तो सबसे पहले इंडियस वन जीरो नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये आप मान के चलिए अराउंड फिफ्टी मार्क्स का आपको पेपर में देखने को मिलेगा बहुत आसान सा इंडियस है गिने चुने तीस चालीस क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें मतलब तीस चालीस क्वेश्चन है जिसमें भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा तो उसमें और भी कम हो जाएंगे सर आप कैसे तीस चालीस बोल रहे हो हमारी टीचर्स वगैरह की बुक में है, हम देखते हैं तो डेढ़ सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन है उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा बहुत लोगों को डाउट होता है जिन लोगों ने मुझसे पढ़ाई नहीं करी है कहीं और से पढ़ते हैं फिर मेरी बुक या सिर्फ ये वीडियो देखने आते हैं उन लोगों को डाउट होता है कि आप ऐसे कैसे कर देते हो आपके पास तो तीस चालीस क्वेश्चन ही है उसका भी क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ तो वो सारी चीज आपको समझ आएंगी क्या पर्पज होता है किस चीज का क्या रोल होता है आप समझने लगोगे तो आपको खुद को समझ आएगा कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कितना जरूरी है वरना हार्ड वर्क तो पूरी दुनिया ही कर रही है इसके बाद सेकेंड इंडिया एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन वन है ना कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का वो बिजनेस कॉम्बिनेशन से आए बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके बाद थर्ड है आपका इंडिया एस 110 28 और ट्रिपल वन यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर

फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पंद्रह नंबर के अप्रोक्स आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन सी एफ एफ दोनों मिला के ट्वेंटी मार्क्स केक्स तो ये हो गए इसके बाद जो इंडेस वन वन फाइव है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ये मिनिमम छह सात नंबर का तो आएगा ही आएगा, आएगा आपके पेपर में ये आपको करना है बहुत आसान सा इंडेस है इसके बाद इंडेस वन जीरो टू शेयर बेस्ड पेमेंट इसमें भी एक क्वेश्चन आपको देखने से देखने को मिलेगा ही मिलेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो चैप्टर है सर इस चैप्टर से तो हमें डर लगता है इसमें से भी आएगा क्या बिल्कुल आएगा लेकिन मैं आपको बताऊं ये कोई चैप्टर है ही नहीं एग्जिस्टेंस में बस इंस्टीट्यूट ने अलग से चैप्टर बनाया हुआ है और इसका जो रेगुलर क्लास का वीडियो है ना वो पूरा का पूरा फ्री में यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है सिर्फ इसी पर्पज से क्योंकि पूरी दुनिया इस चैप्टर से डरती है जबकि कोई चैप्टर ही नहीं है उस वीडियो को देख लेना वो रेगुलर क्लास का वीडियो है पूरे क्वेश्चन के साथ करवाया है इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने क्या करे बाकी इंडिया के मिक्स वाले जो क्वेश्चन थे ना वो डाल दिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 16 और फोर्टी मिक्स था तो वो इस चैप्टर में डाल दिया या फिर शेड्यूल थ्री के बैलेंस शीट करेक्ट करने वाले क्वेश्चन थे वो इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर के नाम से डाल दिए मतलब ये कोई चैप्टर नहीं है इसमें इंस्टीट्यूट ने जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे ना वो डाल दिए तो बस इस चैप्टर में आपके पास 10-12 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आना आना ही ये आप मान के चलिए तो ये चैप्टर आपका एग्जाम में वेटेज रखेगा ऐसे ही नया चैप्टर आया प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए सी ए ये आपका कंप्लीटली थियरी चैप्टर है पूरा का पूरा थियरी चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका फाइव मार्क्स का कन्फर्म है फाइव मार्क्स का कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा आपके पास दस के लगभग क्वेश्चन है और इस चैप्टर के क्वेश्चन करना सबसे आसान है मैंने तीन चार पेज के आपको नोट्स दिए हैं यूट्यूब पे पूरा रेगुलर क्लास का फ्री वीडियो डाल दिया नोट्स फ्री में अवेलेबल है अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ रेफर कर रहा है तो आप कर लो फ्री में मैंने दे रखे हैं वो तीन चार पेज के नोट्स हैं वो रट लेना कोई आपको वो नोट्स नहीं दे रहा इस चैप्टर के नहीं बनाए किसी ने भी इस तरीके के नोट्स जो मैंने आपको बना के दिए हैं उस नोट्स में जो जो कंटेंट है ना बस वो हर क्वेश्चन में छापना आपको आपके कन्फर्म फाइव मार्क्स है बस ये आपका कन्फर्म आएगा इसका एक क्वेश्चन इसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंडियस ये चैप्टर एक थेरी चैप्टर है इसका भी कम कंफर्म आपका फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के अंदर तो ये भी पूरा का पूरा थियोरी चैप्टर इसके भी मैंने दो तीन पेज के नोट्स दे रखे हैं टॉपिक वाइज जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन आए वो पूरा एजेट जो नोट्स में लिखा हुआ है, वो छाप देना और ये आप देख लेना इसका भी यूट्यूब पे पूरा एक डिटेल्ड रिवीजन डाला हुआ है तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी तो ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जो एग्जाम में आएंगे 60 टू 70 मार्क्स का वेटेज रखेंगे इन चैप्टर्स के लिए आपको रिवीजन वीडियो नोट्स और क्वेश्चन बैंक ये तीनों चीजें रेफर करनी है पहले रिविजन वीडियो सुनो नोट्स पढ़ो क्वेश्चन बैंक के लो और ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ना सिक्सटी टू सेवेंटी मार्क्स का इनका वेटेज रहेगा इसके बाद देखिए कैटेगरी बी चैप्टर्स कैटेगरी बी में मैंने टेन चैप्टर्स रखे टेन चैप्टर्स कैटेगरी बी का वेटेज आएगा थर्टी मार्क्स का एग्जाम में आपका अप्रोक्स जो कि आपको रिविजन वीडियो नोट्स और क्वेश्चन बैंक से कवर करने हैं ये चैप्टर्स भी तो कैटेगरी ए और बी अगर आप देखोगे ना तो कैटेगरी ए और बी आपके नाइनटी टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर कवर करेंगे तो सर हंड्रेड मार्क्स का तो टोटली पे, पेपर होता है तो फिर यानी सी कैटेगरी का जीरो वेटेज तो बाकी लोग सही बोलते हैं सी में से कुछ नहीं आना चाहिए अरे भाई पेपर वन ट्वेंटी मार्क्स का होता है सी कैटेगरी का ये मतलब नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें से भी आएंगे पर उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती क्यों नहीं दी जा सकती भी समझ आएगा आप देखो टोटल थर्टी फोर चैप्टर्स है जिसमें से ए और बी कैटेगरी में कितने आ गए एटीन चैप्टर्स यानी रिमेनिंग 16 चैप्टर 16 चैप्टर हैं सी कैटेगरी में और जिनका वेटेज मैक्सिमम 20 टू 25 मार्क्स होगा आप सोचो ऐसे 16 चैप्टर पढ़ो जिनका वेटेज 20 मार्क्स हो या फिर ऐसे आठ चैप्टर पढ़ो जिनका वेटेज सेवेंटी मार्क्स हो तो समझदारी किसमें कुछ स्टूडेंट ज्यादा दिमाग वाले होते हैं जो उल्टे सीधी जगह से ज्ञान लेते हैं जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं वहां से उनको ज्ञान लेने में मजा आता है वो लोग क्या करते हैं हम तो पहले सी कैटेगरी करेंगे अब इंस्टीट्यूट अपना पैटर्न बदल रहा है तो ऐसे लोगों का जिंदगी में कुछ नहीं होना ये कोई मेरा वेटेज नहीं है ये इंस्टीट्यूट के वेटेज के अकॉर्डिंग ही बना के देता हूं मैं और इंस्टीट्यूट उसे कभी चेंज नहीं करता है ठीक है तो आएगा क्वेश्चन इनमें से भी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स टाइम पास के लिए नहीं लिखा है लिखा है मैंने एग्जाम का पेपर आएगा तो चेक चेक कर लेना हमेशा लिखता हूं मैं तो इसमें से भी पेपर आएगा लेकिन अगर आप पहले ये करने बैठ गए ना तो आपके पास ये सोलह चैप्टर ही होंगे इसके अलावा कुछ नहीं होना बाकी पूरा सिलेबस छूट जाएगा तो एग्जाम में आप एक सौ बीस में से कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे ट्वेंटी कन्फर्म फेल हो आप लेकिन अगर आपने एबीसी को ढंग से फॉलो किया नहीं पहले ए कैटेगरी फॉलो चैप्टर करें तो आपका सत्तर नंबर का तो पेपर यहीं से प्रिपेयर हो गया फिर अगर आपका बी भी छूट जाता है सी भी छूट जाता है अगर आपने ए ढंग से कर लिया तो भी पास हो सकते हो लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप ए करो बाकी सब छोड़ दो आपके पास टाइम है तो सब कुछ करना है इवन सी कैटेगरी भी पूरी करनी है जो रैंक की प्रिपरेशन करने हैं जिनको शानदार मार्क्स लाने हैं उनको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है वो आपको देखना है बी कैटेगरी में देखिए मैंने टेन चैप्टर रखे इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है सबसे पहले इंडिया वन वन सिक्स लीजेस लीजेस का एक क्वेश्चन जनरली आने के चांस रहते हैं ये अराउंड सिक्स मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में फिर इंडियस थर्टी सिक्स इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स इंडियस थर्टी थ्री ई पी एस इंडियस ट्वेंटी थ्री बोरोइंग कोस्ट का इंडियस नाइनटीन एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंडियस ट्वेंटी वन इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज रेट इंडियस ट्वेल्व इनकम टैक्से इंडियस वन जीरो एट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इंडियस सेवन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और इंडियस ट्वेंटी अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स तो ये टेन चैप्टर्स इसी सिक्वेंस में आप रिवाइज करिएगा ये आपका बी कैटेगरी है जो थर्टी मार्क्स आपके कवर करने वाली है एग्जाम में फिर सबसे लास्ट में सी कैटेगरी जिसमें सिक्सटीन चैप्टर मतलब पूरे सिलेबस के फिफ्टी परसेंट चैप्टर इस कैटेगरी में है। और इन फिफ्टी परसेंटर्सेंट मतलब भी नहीं है पूरे पेपर में और अगर सिलेबस वाइज देखा जाए तो फिफ्टी परसेंट है ये तो समझदारी क्या है इनको सबसे लास्ट में करने में आप सी कैटेगरी में भी देखो मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं। एक प्रायोरिटी डिसाइड करके देता हूं सी कैटेगरी को मैंने चार प्रायोरिटी में डिसाइड करके दिया आपको चार प्रायोरिटी है सी कैटेगरी पे जब आप करोगे ना तो सबसे पहले आप इंडेस इंडियस करना अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी जो नया चैप्टर आया है वही तीन चार पेज के नोट्स है वो रट लेना आपको वो चैप्टर एकदम परफेक्टली हो जाएगा बस वो चिपकाने हैं जैसा क्वेश्चन आए वो नोट्स के अकॉर्डिंग चिपका देना और इंडियस पीपी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ये तीन चैप्टर करने हैं सी कैटेगरी में सेकंड प्रायोरिटी पे आपको इंडियस वन इंडियस वन वन थ्री इंडियस थर्टी फोर और इंडियस फोर्टीन करना है फोर्टी वन करना है सॉरी तो ये चार इंडियस करने थर्ड प्रायोरिटी पे आपको इंडियस थर्टी सेवन इंडियस फोर्टीन इंडियस वन जीरो फाइव इंडियस टू और इंडियस थर्टी एट करना है और फोर्थ सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आपको इंडियस टेन इंडियस एट इंट्रोडक्शन टू इंडियस और इंडियस ट्वेंटी फोर करना है आपको तो सी कैटेगरी में भी मैंने आपको प्रायोरिटी बना के दी है कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं इनमें से आने का फिर इनमें से आने का फिर इनमें से और इनमें से इस तरीके से मैंने आपको प्रायोरिटी बना के दी है सी कैटेगरी में भी इससे ज्यादा तो और क्या ही कर सकता है इंसान तो आप इसको बस फॉलो करो ढंग से आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे पेपर में बहुत कॉन्फिडेंस से आप पेपर दे के आओगे सी कैटेगरी के लिए आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक बैंक देख लोगे तो भी काम चल जाएगा यानी इनके क्वेश्चन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूं ना सिर्फ वो देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा या फिर आप सिर्फ इनके रिवीजन वीडियो कर लोगे तो भी काम चल जाएगा या फिर इनके सिर्फ नोट्स देख लोगे सी कैटेगरी वालों को तो भी काम चल जाएगा यानी सी कैटेगरी में सिर्फ कोई भी एक चीज कर लेना या तो रिविजन वीडियो सुन लेना या नोट्स पढ़ लेना या क्वेश्चन बैंक जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो कर लेना ए और बी कैटेगरी के लिए तीनों चीज करनी पड़ेगी रिविजन वीडियो नोट्स और क्वेश्चन बैंक ए और बी कैटेगरी के लिए और वो सारे के सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है तो ये आपको फॉलो करना है एफ की मैंने पूरी डिटेल एबीसी एनालिसिस स्ट्रेटेजी आपको दे दी है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी मैं आपको जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे लेके जाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बताऊंगा उससे पहले अब मैं आपको एक दो चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं देखो एमसी के लिए मैंने बता दिया कोई अदर मटेरियल नहीं करना नो अदर मटेरियल वापस मैं लिख रहा हूं एमसीक्यू के लिए कुछ भी अदर मटेरियल या किसी की भी बुकलेट मत करना करो तो फिर आप अपना टाइम बर्बाद करो मेरे को लिख के मत भेजना कि सर मैं ये कर रहा हूँ बता दो इसको सॉल्व करवा दो वो फिर आप खुद कुछ भी करो आप कचरे में जा रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि उस कचरे को मैं फिर सपोर्ट करूंगा कुछ भी नहीं करना है एमसीक्यू के लिए कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक करो एमसी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे कुछ स्पेशल नहीं हो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आएंगे इंडिविजुअल नहीं आएंगे ये बार बार बोल चुका हूँ और ये लास्ट बार बोल रहा हूँ एमसी के लिए आप अपना टाइम बर्बाद करो अगर किसी की भी फालतू बुक मार्केट से उठा के सॉल्व कर रहे हो लोग बुक रिलीज करते रहते हैं फालतू में टाइम बर्बाद करने के लिए आप लोगों का तो उनकी बुक कचरे में डालो आप लोग ठीक है हम लोग ये काम करते नहीं है कि कचरा कुछ भी रिलीज़ कर दे एक चार्ट बुक रिलीज कर दी एक फलाना बुक रिलीज कर दी वो अपने को करना नहीं होता क्योंकि वो कोई काम की नहीं है वरना मैं भी रिलीज कर देता मेरी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है इसमें भी तो मेरे को करना नहीं है वो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट अब जो मैं आपको बता रहा हूं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आती है क्वेश्चन बैंक की देखिए क्वेश्चन बैंक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर आपका जो एफ का क्वेश्चन बैंक है ना इसमें तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन ही नहीं है स्टडी मटेरियल के बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग है हमको तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मेरे पास आते हैं कई बार मैसेज हाईली डिसअपॉइंटेड आपके क्वेश्चन बैंक से हमने तो आप पे ट्रस्ट करके क्वेश्चन बैंक ले लिया इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन ही नहीं है आपके क्वेश्चन बैंक में तो अब आपने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया हमारी हाई अर्न मनी वेस्ट हो गई मैं सच बता रहा हूं ऐसे एक आध बच्चे होते हैं जो ऐसा मैसेज करते हैं और वो ज्यादा ज्ञानी बच्चे होते हैं जिनको कुछ अता पता नहीं होता बस हवा में ऑर्डर करके आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक उनको या तो बकवास ही करनी होती है ना उन्होंने कभी वेबसाइट पे जाके रीड करने की कोशिश करी क्वेश्चन बैंक में मैंने एक प्रीफेस का पेज डाला हुआ है अबाउट द क्वेश्चन बैंक किसमें कवरेज में क्या क्या है ना उन्होंने कभी वो रीड किया ना उन्होंने कभी मेरा कोई लेक्चर सुना क्वेश्चन बैंक का जब मैं रिलीज करता हूँ तब मैं हर बार बताता हूँ एफ के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ये पॉइंट होता है हमेशा एफ के क्वेश्चन बैंक का ना कभी उन्होंने वो सुना बस उनको बकवास करनी है क्योंकि उनकी आदत खराब है उनको तो क्या ना बस कंपाइलेशन वाली आदत पड़ी हुई है कि लजस्ट्रेशन टेस्ट नॉलेज पास पेपर आर टी ऐसा लगा कंपाइलर मिल जाए जिसमें फिर अमेंडमेंट हो ही ना जिसमें सब कुछ कचरा पड़ा हो तो भी चलेगा बस कंपाइलर दे दो तो भाई कुछ नहीं है फिर आप ऐसे में आर इनको प्रिंट निकाल लो और उनको बाइंड करवा लो स्पाइरल आपका काम हो जाएगा क्यों किसी की बुक लेने की चक्कर में आप क्वेश्चन बैंक का मतलब बहुत कुछ होता है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है मेहनत से बनता है कुछ लोग बोल देते हैं कि टाइम पास करते हैं क्वेश्चन बैंक में आपकी क्या मेहनत है इंस्टीट्यूट के तो क्वेश्चन है कभी आप बना के देखना पता चलेगी क्या मेहनत होती है बहुत फॉर्मेटिंग होती है बहुत अमेंडमेंट्स बहुत सारी चीजें लाइन से लगानी होती है मेरे क्वेश्चन बैंक में मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए हुए हैं इंस्टीट्यूट कोई आंसर को कहीं पर अपडेट कर रखा है एस में क्वेश्चन है उसको कई आरटीपी में आया वहां अपडेटेड आंसर दे दिया उन्होंने सही आंसर या एग्जाम में आया वहां सही आंसर दे दिया तो वो मैं अपडेट करता हूं उसके अंदर ऐसा नहीं कि कंपाइलर बना दिया जो है वो चिपका दिया तो बहुत सारी चीज करनी होती है समझते हो तो अच्छी बात है नहीं समझते हो कोई बात नहीं मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूं जो भरोसा करके पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब क्वेश्चन बैंक में वो जो आता है ना डाउट कि सर आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नहीं है तो वो मैं आपको बता दूं मैंने क्वेश्चन बैंक में, में हमेशा एफ के क्वेश्चन बैंक में, में बोला है कि इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में अराउंड आपके टोटल एफ में 1100 1100 के अराउंड क्वेश्चंस है टोटल एस एम आर टीपीपी पास्ट एग्जाम सब मिला के ग्यारह सौ के लगभग क्वेश्चन है और एस में अराउंड पांच सौ ऐसे क्वेश्चन है फाइव हंड्रेड ऐसे क्वेश्चन है जो कि कंप्लीटली इज है कंप्लीटली इज है क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं एक तरीके से इलस्ट्रेशन से टॉपिक को समझाने के लिए कि भाई ये टॉपिक बोलना क्या जाता है इस टॉपिक का मतलब क्या है जो कि मैं क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ रिविजन वीडियो में भी बता देता हूँ एग्जाम्पल से वो सब चीजें वो कभी एग्जाम में आने के लिए नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा वो एग्जाम के लिए नहीं होते वो सिर्फ टॉपिक को समझने के लिए होते हैं और कुछ महान बच्चे उन्हें क्वेश्चन समझते हैं उनको करने में रटने में बैठे रहते हैं और वो ढूंढते रहते हैं तो वो मैंने हमेशा लिखा है कि वो मैं नहीं देता आप लोगों को पहले मैं उसको वॉल्यूम टू करके एक बुक आपको देता था याद हो तो प्रीवियस तक लेकिन वो बुक पढ़नी ही नहीं होती थी उसमें मैं ये बोलता था ये पढ़नी नहीं है मैं सिर्फ इसलिए देता हूं कि वो जो ज्ञानी बच्चे हैं ना जो बकवास करनी होती है उनको ये क्वेश्चन नहीं है तो उन लोगों को दिख जाए पर कुछ वो ज्ञानी बच्चे होते थे वो उस बुक को भी नहीं देखते थे और वो बुक वैसे भी पढ़ने की नहीं होती थी तो मैं देखता था कि यार वो बुक के पेज बिना बात में वेस्ट होते हैं देखो पेज वेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि मेरी कोर्स आ रही है कोर्स तो आ रही है प्रिंटिंग के अंदर लेकिन पेज जो है वो पेड़ से बनते हैं ठीक है बहुत सोचने वाला पॉइंट है जब मेरे यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने के लिए जब नोट्स तैयार करता हूं ना तो मैं एक एक पेज में इतना इतना कर करके यूज में लेता हूं ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कंजूसी करता हूँ एक पेज पे जब नोट्स बनाता हूँ बहुत छोटे छोटे यूज में करके बनाता हूँ कोई पेज मेरा वन साइडेड प्रिंट होता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं कि मेरा एक रुपया वेस्ट हो गया क्योंकि आप सोचो पेज जो है ना वो ऐसे ही नहीं बनता पेज बनता है ट्रीज को काट के पेड़ों को काट के और पेड़ों को काटना आप सोचो कितनी बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है तो जो इसके लिए एक मन में आता है कि यार इतने पेज बिना बात में वेस्ट होते हैं हर अटैम्प्ट में सिर्फ एक बुक के नहीं होते हर एफ आर की बुक के साथ में वो वॉल्यूम टू देता था और हर पूरे साल में एक अटैम्प्ट में, में मेरी पचास से साठ हज़ार के लगभग बुक जा रही थी एफ आर की तो उसमें बहुत सारे पेज वेस्ट ही हो रहे थे वो वो कोई काम के तो थे, थे नहीं यूज़ में कुछ आने ही नहीं थे तो इस अटैम्प्ट से मैंने वो बंद कर दी कि वो बुक मैं प्रिंट में नहीं दूंगा उसकी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा तो वो मैंने अबाउट द क्वेश्चन बैंक करके एफ आर में लिखा हुआ है वेबसाइट पर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन बैंक में आप जाएंगे फार के क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑर्डर करते हैं यहाँ पे देखो क्लियर क्लियर अबाउट द क्वेश्चन बैंक का पेज लगा हुआ है और यहां पे अगर आप रीड करेंगे ना ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ यहां चिपकाया हुआ है अगर आपने किसी ने रीड किया हो टाइम मिले आप रीड कर लेना आराम से पूरा पैराग्राफ ये दिया हुआ है मैंने तो वो इनरेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं जिसकी इस बार मैं पीडीएफ फॉर्म में दूंगा वेबसाइट पे अपलोड करूंगा अभी किया नहीं है मैं करवा दूंगा इस वीक में अपलोड और वो इसलिए नहीं करवाता क्योंकि वो पढ़ने ही नहीं होते करवा देता ना आप उसमें टाइम बर्बाद करते उसमें तो कुछ भी नहीं आना वो फाइव हंड्रेड है सारे के सारे क्वेश्चन उसमें तो कोई भी एग्जाम में नहीं आना उसमें तो कुछ भी एग्जाम में नहीं आना गलती से आया तो दो चार नंबर का आएगा जो कि आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप कर दोगे मैक्सिमम टू टू फोर मार्क्स का आ जाएगा तो दो, दो चार नंबर के लिए आप पांच सौ क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा फिर आप सोचो तो वो कुछ भी नहीं करने वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है एग्जांपल एक एक के लिए आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन क्या होते हैं देखिए जैसे मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का खोला तो इसमें लाइबिलिटी है, है।, है, है, है क्या है तो कचरा होते हैं टॉपिक है, को समझाने के लिए होते हैं जो रेस्पेक्टिव क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू आपको ले लेता हूं वो रेलिवेंट पीडीएफ फिर भी अपलोड कर दूंगा किसी को ऐसा हो कि भाई मेरे को तो फेल होना है एग्जाम में या मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए काफी टाइम है तो वो उस पी को रेफर कर लेना जिसका एग्जाम का मोटिव है पास होना रैंक लाना अच्छे मार्क्स लाना वो उस पी से दूर ही रहना ठीक है इसी परपज से मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी थी बट फिर भी अब मैं इस वीक अपलोड कर दूंगा ये मैंने आपको बता दी जो लोग ये हरकतें करते हैं मैसेज करते हैं और आज के बाद भी अगर किसी ने मैसेज करा डायरेक्टली बोलूंगा ये वीडियो जाके सुन लो आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है ना वो बहुत अच्छी डिसअपॉइंटमेंट आपको फिर एग्जाम में मिलेगी जब आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो फिर आप एग्जाम में जाओगे तो आपको कैसे डिसअपॉइंटमेंट होगी कि आप ऐसे ऐसे लोगों के कंपाइलर करके गए जिनमें फालतू के छह सौ क्वेश्चन से और इन पाँच सौ छह सौ क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो वो वाली डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी फिर फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि चलो इस बच्चे को डिसअपॉइंटमेंट का मतलब पता चला ठीक है तो आपको असली डिसअपॉइंटमेंट का मतलब तब पता चल पाएगा ऐसे बच्चों को जो ऐसी बकवास करते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता जिनको भरोसा नहीं करना होता तो आपको अगर भरोसा नहीं होता ना तो प्लीज़ ऑर्डर ही मत किया करो आपको जो कचरा पढ़ना है पढ़ो मुझे कोई तकलीफ नहीं है मेरा काम है आप लोगों को बताना सही से पढ़ाई करवाना आपको गाइडेंस देना कि ताकि आप सी बन जाओ क्योंकि मैं सब जानता हूँ सब समझता हूँ कि आप लोग किस मेंटल स्टेट में किस सिचुएशन में होते हो मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ एक बहुत लो मिडल क्लास फैमिली से रह चुका हूँ आप लोग भी उसी फैमिली से हो, होते हो ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो आप लोगों का फीलिंग सब समझता हूँ मैं तो वही मेहनत करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के भले के लिए बट वो आपकी मर्जी है चलिए अपन देखते हैं एफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट एफ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है ये है मे एंड नवंबर 24 एडिशन मे नंबर 24 एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देख लेना मे एंड एडिशन से है ये लिस्ट मे और लिए एक सिंगल एडिशन है ऐसा नहीं है कि मे 24 का अलग है नवंबर 24 का अलग सर अभी नवंबर 24 तो बाद में आप उसकी लिस्ट क्यों दे रहे हो अभी एक ही बुक होती है बुक पे लिखा होगा मे एंड नवंबर ट्वेंटी एडिशन ठीक है उसी बुक से ये लिस्ट दी जा रही है किसी के पास पुराना एडिशन रखा हुआ है तो उसमें हो सकता है कुछ चैप्टर की लिस्ट मैच हो जाए पर कुछ की नहीं हो पाएगी क्योंकि सिक्वेंस वगैरह सब चीजें और में चेंज हो जाती है कुछ चैप्टर्स की मैच हो सकती है तो अब वो चैप्टर्स कौन से हैं वो ऐसा डायरेक्टली पता नहीं चल सकता आपके पास आपका कोई फ्रेंड हो जिसके पास नया एडिशन हो आपके पास पुराना है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि आपके कौन कौन से चैप्टर की मैच हो रही है बाकी मे एंड नवंबर 24 एडिशन से मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ जो आपके लिए एप्लीकेबल एडिशन है मे 24 एग्जाम्स के लिए ये लिस्ट में सभी चैप्टर्स हैं टोटल जो भी आपके चैप्टर्स हैं सिलेबस में लिस्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे सबसे पहले चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू इंडेज इसमें क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर सेवन चैप्टर टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि ए कैटेगरी का चैप्टर भी है इसमें क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव सेवन तो ये मे एंड नंबर 24 एडिशन जो है हमारे क्वेश्चन बैंक का उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है हर चैप्टर वाइज आप देख लीजिएगा लिस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैंने मेरे हैंडल पे शेयर कर दी है और ए की भी अभी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को तो हर चैप्टर वाइज यहां पे ये लिस्ट है आप चाहो तो यहां से स्क्रीन ले लो और नहीं तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से कर लेना बस ऑथेंटिक सोर्स से करना आप या तो यहां से करना या फिर मेरे इंस्टाग्राम या हमारे टेलीग्राम से ही करना कहीं और मत जाना कुछ लोग क्या है कोई भी मार्केट में कोई किसी का भी टेलीग्राम चैनल चल रहा है किसी का भी इंस्टा चल रहा है से लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं पैसे में बेच रहा हूं मैं भी फ्री में दे रहा हूं तो आप फिर ओरिजिनल डाल देते हैं तो फिर बाद में आप मुझे गालियां दोगे कि ये क्या हो गया ये तो कुछ एग्जाम ये, ये तो कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है हर चैप्टर की आपके क्वेश्चन बैंक में कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लगे हुए हैं आप देखोगे तो तो उसमें से भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया टोटल 331 हंड्रेड थर्टी वन क्वेश्चन है आपके एफआर के अंदर 331 ये ए बी ओ सी तीनों कैटेगरी के, के चैप्टर्स यानी टोटल चैप्टर्स की लिस्ट है ऐसा नहीं है सिर्फ ए कैटेगरी चैप्टर्स में दे ए कैटेगरी बी कैटेगरी और सी कैटेगरी तीनों कैटेगरी चैप्टर्स में दे 331 क्वेश्चंस बस ये कर लेना आपका पूरा का पूरा मेजर क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएगा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का मतलब भी आपको बता देता हूँ ये जो लिस्ट होती है इसमें मैं हर वेराइटी का हर चैप्टर में क्वेश्चन आपको कवर करके दे देता हूं ऐसा नहीं होता कि भाई मुझे मालूम है एग्जाम में क्या आएगा बस मेरा थोड़ा एनालिसिस होता है यहाँ इस तरीके से इंस्टीट्यूट आगे पेपर बना सकता है और मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं और उस अकॉर्डिंग लिस्ट देता हूं अभी तक जो भी अटेम्प्ट्स हुए हैं इंस्टीट्यूट के जब भी कॉपी पेस्ट पेपर दिए इंस्टीट्यूट ने यानी जो के खुद के क्वेश्चन से क्वेश्चन पेपर बनाया है तो इसी लिस्ट में से हमेशा से आए, और आगे भी ऐसा ही होने के पूरे चांसेस रहेंगे जब भी इंस्टीट्यूट अपने सोर्स से ही क्वेश्चंस बनाएगा रिपीट करेगा तो फिर वो इस लिस्ट में से आपको हमेशा देखने को मिल सकते हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं होती वो हमेशा मैं डिस्क्लेमर देता हूं फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने जैसे नया ही पेपर बनाया तो नए पेपर में फिर ऐसा नहीं बोल सकते सर आपकी लिस्ट तो काम ही नहीं है अरे भाई नया पेपर बनाया तो वो क्वेश्चन ही नए है ना वो तो फिर पूरे इंडिया के लिए नए क्वेश्चन है वो मेरे को थोड़ी ना मालूम है नए क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन बैंक में इंस्टीट्यूट के ही तो क्वेश्चन है अभी तक के तो नया पेपर बनाया तो इस लिस्ट में तो कुछ नहीं फिर वो कंसेप्ट नोट से सोल्व होगा अगर आपने कंसेप्ट नोट नही से पढ़े हैं ना तो आप कोई भी पेपर सॉल्व कर सकते हो आपको कोई लिस्ट की जरूरत ही नहीं है आप हर पेपर को हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं जैसे नवंबर 23 का एफआर का पेपर बहुत से लोगों को यानी मेजर लोगों को टफ लगा था क्योंकि सारे नए क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट लेकिन उसमें जितने भी क्वेश्चन थे ना हर क्वेश्चन के हर एक कंसेप्ट पूरे कंसेप्ट नोट्स में कवर थे और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास अभी भी मैसेज पड़े होंगे वो मैसेज करते हैं कि सर सारी चीज़ें कंसेप्ट नोट्स में कवर हो रखी थी क्वेश्चन जरूर नहीं थे पर सारी चीज़ें कवर हुई थी पेपर आराम से हम कर पाए और अभी भी मेरे पास एक दो दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आता है जिसका भी अमीर ट्वेंटी फोर अटैम्प्ट है तो वो प्रैक्टिस के लिए नवंबर वाला पेपर देख रहा था तो बोल रहा था कि सारी चीजें तो नोट्स में ही कवर थी फिर टफ क्यों लग रहा था तो बस वही है कि आपका माइंड सेट क्या आप सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है डायरेक्टली क्वेश्चन रट के जाने वाली तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो कैसा भी पेपर टैकल कर लोगे नया पेपर बनेगा तो भी बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की लिस्ट बना रखी होगी मार्किंग कर रखी होगी तो वो सबसे परफेक्ट है उसमें फिर आप मेरी लिस्ट बिल्कुल मत देखना आपको कोई जरूरत नहीं है फिर इस लिस्ट की ये उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद से कोई लिस्ट मार्क नहीं करी खुद से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करे बस वो सिर्फ देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इनको रट के जाके एग्जाम में अपनी किस्मत चेक करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं आप फॉलो करो कॉपी पेस्ट पेपर आया तो इसमें से मिल जाएगा नया पेपर आया तो वो इस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए कंसेप्ट नोट्स अगर आपने ढंग से पढ़ रखे हैं जो मेरी कंसेप्ट नोट्स की बुक है ढाई पेज में है पूरे एफ के तो वो आपने अच्छे से कर रखें तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छूट जाए नया क्वेश्चन आएगा तो बीजीली आप उसको कर सकते हो तो ये चीज़ हो गई आपकी एफ से रिलेटेड पूरा मैंने आपको गाइडेंस दे दी कि, कि किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है क्वेश्चन बैंक की रिगार्डिंग बता दिया जो इज इनरेवेंट क्वेश्चन की पी है वो मैं अपलोड करा दूंगा वेबसाइट टेलीग्राम वगैरह पे नोटिफिकेशन आ जाएगी आप ज्वाइन करके रख लो एग्जाम तक कोई पैसा नहीं लगना उसके बाद अनफॉलो कर देना और यूट्यूब पर भी है ना एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रख लो बेलईकन दबा के रख लो जैसे भी आपको तुरंत पता चलता रहे कि हाँ ये ये चीज़ आ रही है क्योंकि हम लोग ऐसा कोई फालतू वीडियो तो बनाते नहीं है कभी भी आपने कभी देखा होगा कि हम बिना बात में कोई भी कचरा वीडियो डाल दें कि चलो इस महीने वीडियो नहीं डाला तो कुछ भी बना के डाल दिया जो काम के वीडियो होंगे बस फिर वही हमारे चैनल पे आते हैं ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के जैसे आ जाओ लाइव बैठ जाते हैं कुछ भी बात कर लेते हैं तो वो काम हमारा है नहीं तो ऐसा नहीं कि आपका कोई टाइम बर्बाद करेंगे ना ही हम जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपना प्रमोशन करते रहते हैं कोई साल में एक बार हमारी क्लास का जब नया बैच लॉन्च होता है जरूर पोस्टर डाल देते हैं उसके अलावा है बाकी लोगों की तरह हर हफ्ते हम कोई पोस्ट भी नहीं डालते कि हमारी ये क्लास ले लो ये ऑफर चल रहा है ये डिस्काउंट चल रहा है आज होली ऑफर निकाल दिया आज दिवाली ऑफर निकाल दिया आज हमारी बीवी का बर्थडे है उसका ऑफर निकाल दिया वो काम भी हमारे नहीं होते तो ऐसा कुछ हम करते नहीं सिर्फ गाइडेंस ही देते हैं ज्वाइन करने के लिए सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि आपको अपडेट मिल जाए क्योंकि आप लोग फिर वही चीज़ें मैसेज कर करके पूछते हो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके पूछते हैं सर एफ के रिवीजन वीडियो कहाँ मिलेंगे जो यूट्यूब पर ऑलरेडी प्ले बना रखी है तो सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो ना मुझे उससे कोई कमाई होने वाली ना मेरा कोई वहाँ प्रमोशन मैं कर रहा ठीक है तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ बस आप रेफर करने के लिए एक बार ज्वाइन कर लो एग्जाम तक फिर चाहे अनसब्सक्राइब अनफॉलो कर देना कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आप एग्जाम तक इंस्टा टेलीग्राम यूट्यूब एक बार ज्वाइन करके रख लेना ये एफ आर कंप्लीट हो चुका है अब मैं आपको ए एफ एम की डिटेल्स दे देता हूं ए एफ एम के एबीसी एनालिसिस की बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन और जो क्वेश्चन की मैंने आपको बात बताई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सिर्फ मेयर नंबर ट्वेंटी फोर एडिशन जैसे मैंने बोला कोई स्टूडेंट जबरदस्ती से प्रीवियस एडिशन से मार्क करके चला गया और फिर बोलेगा कि सर एग्ज़ाम में तो कुछ मिला ही नहीं है आप तो कुछ भी बोलते हो कि हमारे लिस्ट से आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता पहले अपना एडिशन चेक कर लेना साफ साफ और अगर, अगर आपने वेबसाइट से हार्ड कॉपी ली है तो ही मैं इसको आपको बोल सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल आप सही चीज़ पर चल रहे हो अगर आपने कहीं इधर उधर से पी उठाई है लोग मार्केट में डालते रहते हैं और कहीं और से जेरोक्स लिए तो उसमें फिर कोई गारंटी नहीं है वो मिक्स करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स की रोज़ क्वेरी आती रहती है उनको आधा पुराना एडिशन लगा हुआ है आधा नया एडिशन लगा हुआ है तो उसका कोई रिलायबिलिटी नहीं है अगर ओरिजिनल सोर्स से हमारी वेबसाइट से लिया हुआ है तो फिर परफेक्ट है उससे पूरी मैच हो जाएगी उसी से होगा बाकी अगर कहीं और इधर उधर से कर रहे हो तो फिर ऊपर नीचे हो सकती है फिर उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी ये पहले ही बता के चल रहा हूँ मैं बाद में आप मुझे ये गालियाँ देने आ जाओ जैसे एक दो स्टूडेंट्स अभी ग्रुप में आप देखते हो ना कई बार मैसेज करके रखते हैं कि ये अटैम्प में ये आया आपके नोट्स में तो ये था फिर उनको देख के पता चलता है वो तो फ्री में कहीं और से पीडीएफ मारने के चक्कर में बैठा था वो बच्चा तो ऐसे बच्चों का फिर क्या ही मैं बोलू देखो अब आप ए में ए एफ एम का एबीसी एनालिसिस देख लीजिए मेरे 24 फोर एग्जाम्स के लिए ए एफ एम में भी पेपर पैटर्न वही सेम है डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स जिसमें क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी रिमेनिंग फाइव में से चार क्वेश्चन एमसीक्यू थर्टी मार्क्स के जो कि केस सिनेरियो बेस्ड होंगे इसमें भी कोई इंडिविजुअल एमसीक्यू नहीं होगा केस सिनेरियो बेस्ड आएंगे मटीरियल एंड रिसोर्सेज में रिविजन वीडियो सारे मैंने डिटेल में नए बना के आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल करा दिए हैं चैनल पे आप चले जाना एएफएम की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एएफएम की भी यहाँ पे अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो यहाँ पूरी प्ले लिस्ट बना दिए ए एफ रिविजन लेक्चर और इस पूरी प्लेलिस्ट में सारे डिटेल चैप्टर के नए रिवीजन वीडियोस मैंने डाल दिए ये एक बार आप सुन लेना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ए एफ में किसी चैप्टर में आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं इतने आसान तरीके से मैंने बना के दिए आपको ए एफ के नोट्स और वीडियो रिविजन वीडियो इवन रिविजन वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर लेक्चर्स की बात भी नहीं कर रहा रिविजन वीडियोज़ पूरा डिटेल के अंदर है बहुत आसानी से ये सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा बहुत इजीली तो रिवीजन वीडियो सुनना नोट्स और क्वेश्चन बैंक ये दोनों वेबसाइट पे हार्ड कॉपी में अवेलेबल है ए एफ एम का सॉफ्ट कॉपी में नहीं है पीडीएफ में नहीं है कंसेप्ट नोट्स भी हार्ड कॉपी में कलर वाले अवेलेबल है और कलर हार्ड कॉपी में बेटर रहते हैं क्योंकि वो आपके आई में भी काम आएंगे और उसमें अच्छी पढ़ाई होती है और हार्ड कॉपी ही है इसका पी नहीं होता अवेलेबल बिल्कुल भी ए का तो वो नोट्स का आएगा भी नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ बार बार आप उसके लिए भी मैसेज मत करना पहले भी बता दिया था इसके हार्ड कॉपी में ही अवेलेबल है इसमें भी एमसीक्यू के लिए कोई अदर मटेरियल या बुकलेट बिल्कुल भी रेफर नहीं करनी कोई टाइम बर्बाद नहीं करना और राउंडिंग ऑफ और जो एजम्पन इंस्टीट्यूट लेता है एफएम में कई जगह कि इसको इस तरीके से राउंड ऑफ करें बहुत बहुत ज्यादा एजम्पन्स होती हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है तो वो वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वो आप रेफर कर लेना पूरा मैंने वीडियो बना के दिया था आप लोगों को वो एज इट इज आपको रेफर कर लेना है अब ए का ए बी सी एनालिसिस ए बी सी एनलिसिस यानी वही ए कैटेगरी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है फिर बी और फिर सी कैटेगरी तो ए में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ ए में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ना आता हो हर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है एफ में तो फिर भी थर्टी चैप्टर्स है तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से तो क्वेश्चन आता भी नहीं है पेपर में ऐसा हो जाता है पर एफ एम में तो हर चैप्टर में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सर इसमें एबीसी कैसे काम करेगा इसमें थोड़े अलग तरीके से काम करेगा पर्पज वही होगा एबीसी का कि प्रायोरिटी किसको देनी है तो प्रायोरिटी हम देंगे उन चैप्टर्स को जो सबसे ज्यादा वेटेज रखेंगे और जिनको तैयार करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी तो उसके अंदर देखो मैंने सबसे पहले सेवन प्रैक्टिकल चैप्टर्स रखे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे सेवन प्रैक्टिकल चैप्टर्स है तो ये सात प्रैक्टिकल चैप्टर कौन से हैं इनको इसी सिक्वेंस में आपको रिवाइज करना है सबसे पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये दोनों चैप्टर एक साथ तैयार

तो वो कचरा पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने कचरा कर दिया चैप्टर का वरना समझ में आ जाएगा और मिलने वाले आपको दोनों मिला के ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मार्क्स के इसके बाद आप लोगों को ए कैटेगरी में क्या करना में क्या है आपके थियरी के चैप्टर्स भी है थियरी के चैप्टर है चार वन टू सेवन और फिफ्टीन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी करके चैप्टर नंबर वन है चैप्टर नंबर टू है रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर सेवन है सिक्वेटाइजेशन और चैप्टर फिफ्टीन है स्टार्टअप फाइनेंस ये प्योर थियरी के चैप्टर है इनमें हैं तो को आपको रटना पड़ेगा वो नोट्स मैंने दे रखे हैं उससे आपको रट्टा मारना वो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे आप रटोगे तो वो आप रट लेना ये आपके तैयार येगीटेगरी एट्टी फाइव टू नाइन मार्क्स का वेटेज रखने वाली है मतलब में अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आपके वन ट्वेंटी मार्क्स के पेपर में से आने वाला है आप इसी में से आराम से हो जाओगे इनके रिविजन वीडियो नोट्स और क्वेश्चन बैंक कर लेना बस ये प्रैक्टिकल चैप्टर और थियरी के ये जो चार चैप्टर है सिर्फ ये चार चैप्टर की थियरी रट लेना बाकी सब थियरी छोड़ देना बाकी की भी मैंने नोट्स में पूरी थियरी दे रखी अभी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से क्या है बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है एएफएम के रिगार्डिंग थियोरी कैसे प्रिपेयर करनी है क्या करनी है वो मैं आज क्लैरिफाई कर दूंगा पूरा ध्यान से सुन लेना पर तो सिर्फ ये चार चैप्टर की थियोरी रट लेना बस आपका काम हो जाएगा और ये प्रैक्टिकल चैप्टर कर लेना और ये सारे के सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत आसान है बहुत आसान चैप्टर है और ये एट्टी फाइव टू नाइनटी मार्क्स आपको दिलाने वाले हैं इसके बाद बी कैटेगरी बी कैटेगरी में तीन चैप्टर रखे मैंने तीन चैप्टर हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट बहुत छोटा सा चैप्टर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कोई चैप्टर होता ही नहीं है सर चैप्टर नहीं होता तो फिर चैप्टर का नाम क्यों है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट महान है इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने कैपिटल बजटिंग सिक्योरिटी वेल्यूशन का एक टॉपिक पोर्टफोलियो का एक टॉपिक इनके क्वेश्चंस में फोर एक्स को मिक्स कर दिया बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो ये कोई स्पेशल चैप्टर एग्जिस्टेंस में नहीं होता इसमें बाकी चैप्टर के साथ फोर एक्स डाला गया है बस उसके क्वेश्चन है तो इन दोनों चैप्टर में ये दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है इसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस ये वापस से एकदम छोटा सा चैप्टर है गिने चुने दो तीन टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं पाँच छः क्वेश्चन है इस चैप्टर में इसके बाद आपको सिक्योरिटी एनालिसिस की थियरी भी मतलब इस चैप्टर की प्रैक्टिकल प्लस थियोरी दोनों और ये दोनों चैप्टर के प्रैक्टिकल आई आर आर एम और आई एफ एम ये आपका कैटेगरी बी जो कि 15 टू 20 मार्क्स का एग्जाम में वेटेज रखने वाला है इसके लिए वही रिवीजन वीडियो नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको फॉलो करना है कैटेगरी बी आपकी तैयार हो जाएगी तो कैटेगरी ए और बी दोनों मिला के आपका जो है ना हंड्रेड टू वन हंड्रेड टेन मार्क्स का पेपर जो है ए एफ एम का तैयार है तो सर तो कैटेगरी सी में बचा क्या सिर्फ एक चैप्टर अगर आपने नोटिस किया होगा आप लोग सोच रहे होंगे सर एक चैप्टर ए एफ एम का जिससे सबसे ज़्यादा हर स्टूडेंट डरता है वो चैप्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा

थियरी होती है ना जो रटने वाली थियोरी होती है वो सी कैटेगरी में है यानी उसमें से मुश्किल से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है तीन चार नंबर तक का तो उस पर तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है वो कोई सेंस नहीं बनाता उसके लिए आप इतनी थ्योरी रटोगे कोई सेंस नहीं बनाएगा फिर भी रटनी हो तो मैंने नोट्स दे रखे हैं अभी सब दिखा दूंगा वो कैसे क्या रट सकते हो आप तो वो सी कैटेगरी के अंदर है इसके अलावा सर फोर चैप्टर का क्या है फोर आपने आपने सी कैटेगरी में कैसे डाल दिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम तो आज तक यही सुनते आ रहे थे हमारे ज्ञानी टीचर मार्केट में जितने बैठे थे सबने भी यही बोला था कि फोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुछ लोगों को कुछ लोग तो इससे भी ऑफेंड हो जाते हैं कि सर आप बाकी टीचर्स कैसे रेफरेंस क्यों देते हो आप बाकी टीचर्स कैसे बदनाम क्यों करते हो अरे भाई बतानी तो पड़ेगी ना सच्चाई मैं कोई ऐसे ही तो है नहीं कि कोई झूठा नाम ले रहा हूं उनका मैं तो सच्चाई बता रहा हूं जो मार्केट में हो रहा है बच्चे परेशान हो रहे हैं आपको बताऊंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहां फंस रहे हो तो फोरेक्स चैप्टर तो सर हम हमको तो बहुत इंपोर्टेंस के साथ पढ़ाया गया तो बस वही तो गलती है चैप्टर चैप्टर के साथ गलती क्या है ये बहुत चैप्टर है है बहुत इसको अगर आप करने बैठोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत होने के इस चैप्टर में आप इस चैप्टर को चार से पांच बार भी रिवाइज कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप रेट गलत ही सेलेक्ट करने वाले हो एग्जाम में मेजरली स्टूडेंट गलत ही रेट सेलेक्ट करते हैं और क्वेश्चन गलत ही होता है और इस चैप्टर को तैयार करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस वजह से ये सी कैटेगरी में क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने में सर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसलिए आपने सी कैटेगरी में रख दिया क्योंकि सबसे टफ चैप्टर है पर सर वेटेज वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपने सी में डाल दिया सी का मतलब एग्जाम में आएगा नहीं अरे सी का मतलब ये नहीं होता एग्जाम में नहीं आएगा कन्फर्म आएगा फोर एक्स का कंफर्म क्वेश्चन आएगा कन्फर्म क्वेश्चन आएगा लेकिन कितना क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा मैक्सिमम एट टू टेन मार्क्स का वेटेज आके मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं एट टू टेन मार्क्स का वेटेज होगा एग्जाम में फोरेक्स का मैक्सिमम एट टू टेन मार्क्स यहाँ पे देख लो सी कैटेगरी का वेटेज है टेन टू फिफ्टीन मार्क्स का मैक्सिमम जिसमें थियरी टॉपिक ऑफ अदर चैप्टर्स भी आ गया तो सी कैटेगरी में फोर एक्सा इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि फोर एक्स का क्वेश्चन तो आएगा लेकिन एक क्वेश्चन आएगा वो भी मैक्सिमम एट टू टेन मार्क्स और ये सबसे टफ चैप्टर पड़ता है सबसे लेंदी चैप्टर पड़ता है और उसके बाद भी इसके क्वेश्चन सही होने के चांसेस नाक के बराबर होते हैं तो सर ऐसे चैप्टर को सबसे लास्ट प्रायरिटी पे थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ या तो नोट्स नोट्स पढ़ लो या रिवीजन वीडियो देख लो या क्वेश्चन बैंक कर लो मैंने बोला ना सी कैटेगरी के लिए तीनों में से कोई भी एक चीज कर लो ऊपर ऊपर से देख के चले जाओ यानी या तो क्वेश्चन आप स्किप कर देना या आपको एग्जाम में मान लो अटैम्प्ट करने का मन करे तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखा हुआ है तो सॉल्व कर दिया बाकी ये चैप्टर छोड़ने लायक होता है और कुछ भी नहीं है ये समझ गए हो गया आप तो इसका मतलब ये मत बोलना एग्जाम का जब पेपर आए तब पेपर में देखो फोर आ गया हमारे तो क्वेश्चन में अब आपने तो सी कैटेगरी में डाल दिया था आपका एबीसी एनालिसिस फेल फिर डायरेक्टली ग्रुप में मैसेज डालने लग जाएंगे एबीसी एनालिसिस फेल हो गया ये अतुल सर अजय सर लोगों को पागल बना रहे हैं स्टूडेंट पागल हो गए वो एक एक पैराग्राफ के फिर वो टेलीग्राम पे हिडन अकाउंट मैसेज डालेंगे वो अपना अकाउंट हिडन करेंगे पहले तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो अपना अकाउंट हिडन ना करें पहले तो वो उनकी वैसी फटी रहती है कि अकाउंट हिडन करके एक एक पैराग्राफ के मैसेज डालेंगे क्योंकि सच तो वो बोल ही नहीं रहे हैं ना उनको तो बकवास करनी होती है कि उन्होंने बोला था फोर एक्स सी कैटेगरी एग्जाम में देखो फोर का क्वेश्चन आया उन्होंने सी कैटेगरी कैसे बोल दिया आएगा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना कन्फर्म क्वेश्चन आएगा लेकिन एट टू टेन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसकी गारंटी नहीं आप सही करोगे जिसके लिए आप दो दो दिन दोगे कम से कम पढ़ने के लिए हो सकता है डेढ़ दिन में आपसे फोर एक्ससी रिवाइज कर पाओ बाकी कुछ रिवाइज ना हो जिसका आठ से दस नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो भाई वो सी कैटेगरी है टाइम मिले तो थोड़ा सा देख लेना वरना छोड़ो आप ये चैप्टर प्रिपेयर करो ना जो नॉर्मल है इजी चैप्टर है एट्टी टू नाइनटी मार्क्स आपको दिलाएंगे तो थोड़ा दिमाग चला के प्रिपरेशन करना चालू करो लोगों के उसमें मत आओ कि ज्ञानी कोई ज्ञानी टीचर आके बोल गया फोर सबसे इंपॉर्टेंट है फो को करो आप फोर में दिमाग लगाओ मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन खोल के दिखाऊंगा कि डॉलर कैसे परचेज़ होते हैं अभी मैं यूरोप ट्रिप पे गया था बैंकॉक ट्रिप पे गया था वहाँ के लिए मैंने था, थाई भात परचेज़ करे डॉलर परचेज़ करे तो वो तो बैंकॉक में अईयाशी करने चला गया उसकी तो अयाशी हो गई आपके पैसों से तो आपको तो उसने बर्बाद कर दिया ना उल्टा सीधा ज्ञान दे के फोर एक्स का उल्टा सीधा ज्ञान देके तो वो ज्ञान आपको लेना नहीं है उन लोगों का तो ये चीज़ आपको देखनी है क्या तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे एबीसी एनालिसिस मैंने आपको दे दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के लिए सेम वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ जो हमारा आ, क्वेश्चन तो में आगे मे एंड नंबर 24 एडिशन वाला उससे मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ मे एंड नंबर 24 एडिशन उससे प्रीवियस एडिशन के लिए कोई लिस्ट नहीं है उससे प्रीवियस एडिशन के लिए कोई लिस्ट नहीं होगी क्योंकि एडिशन इस बार पूरी स्कीम सिलेबस चेंज हुआ है तो उससे देने का कोई सेंस नहीं बनता तो मे एंड नंबर ट्वेंटी एडिशन से लिस्ट है जिसके पास मे एंड नंबर ट्वेंटी एडिशन है वेबसाइट से ऑथेंटिक औरिजिनल परचेज किया हुआ उसका मैच हो जाएगा किसी ने पी वगैरह ली होगी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है उसमें कन्फर्म आपका कुछ चेंज हो सकता है ऊपर नीचे उसको आप फिर कुछ भी करो उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा वो आपकी खुद की चॉइस है फिर मेड नंबर ट्वेंटी फोर एडिशन वेबसाइट से ले रखा है तो उससे मैं ये लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ उससे पूरी लिस्ट मैच हो जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब हर वैराइटी का लगभग मैंने क्वेश्चन आपको कवर करके दे दिया ये कर लोगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा सिलेबस का आपका रिवाइज हो जाएगा बाकी अगर आपने खुद के क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है तो वो चीज भी काम कर जाएगी सर हमारे पास मेन नंबर 24 फोर एडिशन है प्रीवियस एडिशन है तो एफआर आर की तरह काम चल सकता है क्या एफआर में फिर भी फिर भी काम चल सकता था ज़्यादा चेंजेस नहीं थे उसमें नंबर 23 से इसके अंदर लेकिन ए एफ एम में तो मेजर चेंजेस है पिछले एडिशन से क्योंकि नवंबर ट्वेंटी थ्री एडिशन के दो तीन चैप्टर्स सेम होंगे जिनका आपका मैच कर सकते लिस्ट लेकिन बाकी मेजर चैप्टर्स चेंज हुए हैं ठीक है मेजर चैप्टर्स में चेंज हुआ है क्वेश्चन बैंक के अंदर सिक्वेंस टॉपिक वाइज लगा है क्वेश्चन एडलेस हुए हैं तो चेंज हुआ है तो वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा जिसके लिए पहले भी बता दिया था कि इसका क्वेश्चन बैंक चेंज कर लेना प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ देखो क्वेश्चन बैंक जो है ना आपके आ, जो मेरा क्वेश्चन बैंक है ए का आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो तो नोटिस किया होगा हर चैप्टर में सेक्शन ए और सेक्शन बी बनाए सेक्शन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेक्शन बी थियरी क्वेश्चन ए एफ के अंदर फिर उसमें टॉपिक वाइज डाला है मैंने तो सेक्शन ए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ यानी हर चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल वाले दे रहा हूँ सर सेक्शन बी थीरी क्वेश्चन का क्या उसमें नहीं दोगे क्या इंपॉर्टेंट वो कैसे करेंगे वो सारे पढ़ने हैं क्या अभी बताऊंगा थेरी का क्या करना है बहुत लोगों को नहीं पता थियरी कैसे पढ़नी है और फिर वो बाद में आके मुझे गालियां देते हैं कि आपके मेरे थे थियरी कुछ हाई नहीं हम तो ये रट के चले गए थे क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ ध्यान से सुन लेना फिर बाद में गालियां दोगे ना तो फिर मेरे को भी रिप्लाई अच्छा खासा देना आता है फिर आप लोग बोलोगे कि सर तो ऐसा जवाब दे देते है तो आप अगर ढंग से नहीं सुनोगे मेरी बातें तो फिर जवाब भी आपको ऐसे उल्टे सीधे मिलेंगे अगर आप उल्टे सीधे ब्लेम लगाओगे तो तो आप सुन लो पहले ध्यान से सुन लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दे रहा हूँ आपको तो चैप्टर टू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट वाला जिसके अंदर वार का एक प्रैक्टिकल टॉपिक है वैल्यू एट्रेस चैप्टर वन से क्यों नहीं किया क्योंकि चैप्टर वन प्योर थियरिटिकल है तो थियरी वाले क्वेश्चन है उसकी तो लिस्ट होती नहीं है उसको पढ़ना कैसे है वो बताऊंगा थियरी वालों को भी बताऊंगा कैसे करना है लेकिन पहले प्रैक्टिकल की बात कर लो तो प्रैक्टिकल में ये लिस्ट है जैसे मैं क्वेश्चन नंबर वन थ्री ए सीबीबिस के क्वेश्चन सिक्योरिटी वैल्यूशन पॉर्टो म्यूचुअल फंडिवर एक्स आई एफ एम आई आर आर एम बिजनेस सोल्यूशन मर्जर एंडेशन ये सारी लिस्ट हो गई प्रैक्टिकल क्वेश्चन के टोटल आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं टू जीरो सिक्स ए बी और सी तीनों कैटेगरी के, के मिला के सिर्फ टू हंड्रेड सिक्स क्वेश्चन है ये ढंग से प्रिपेयर कर लो पूरी एस एफ एम ए एफ एम एस एफ एम नाम आ जाता है हमारे मन में बसा हुआ है एस एफ एम इंस्टीट्यूट ने हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने अभी एफ एम बोल दिया और कुछ लेना देना कुछ नहीं है हाल वही है इंस्टीट्यूट के तो दो सौ छह क्वेश्चन है ए बी और सी तीनों कैटेगरी से मिला के ये दो छह क्वेश्चन करो आपका पेपर एकदम शानदार हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो सर ये क्वेश्चन हो गए सारे अब थेरी चैप्टर्स को क्या करना है देखो थियरी चैप्टर्स में चैप्टर वन टू सेवन फिफ्टीन मैंने बोला ये चार चैप्टर करने हैं बस आपको मेन तो ये चार चैप्टर की थियरी रटनी है अब थे के लिए सर आपने क्वेश्चन बैंक में सेक्शन बी थियरी क्वेश्चन डाले हैं वहां से रटे या नोट से तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ थियरी टॉपिक के जो नोट्स दिए ना मैंने कंसेप्ट नोट्स में कंसेप्ट नोट्स जिन्होंने मेरे मंगवाए होंगे वेबसाइट से ऑर्डर करके तो उसमें प्रैक्टिकल कंसेप्ट और तो सेक्शन बी थेरी कंसेप्ट मिला होगा तो नोट्स से थियेरी रटनी है थियरी कभी भी क्वेश्चन बैंक से नहीं करनी है एफ की क्वेश्चन बैंक में सेक्शन बी सर फिर बनाया क्यों आपने थेरी क्वेश्चन का वो फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग मुझे गालियां ना दो आप लोग बोलोगे अगर मैं मैं क्वेश्चन बैंक से थियरी क्वेश्चन हटा दू ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप लोग नहीं देखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से थियरी क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं होते हैं रेफर करने ही नहीं होते हैं। जो लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक से सोच रहे होंगे थेरी क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक से रट के चले जाएं आपका कुछ नहीं होगा एग्जाम में आप आके मुझे गालिया दोगे किन में से तो कोई थियरी क्वेश्चन आया ही नहीं आपके क्वेश्चन बैंक में तो सारी थियरी कवर ही नहीं थी इंस्टीट्यूट ने जो नई थियोरी डाली वो आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो जो बच्चों ने ये मैसेज किए थे थे ना मुझे कि सर आपके क्वेश्चन बैंक में इंस्टीट्यूट ने जो नई थियरी डाली है वो क्वेश्चन ही नहीं है तो उस बच्चे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई बच्चा नहीं है ये मैं साफ यहां पे लाइव वीडियो में बोल रहा हूं यूट्यूब में पब्लिक में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है वो सी फाइनल में कैसे आ गया मुझे नहीं समझ आता भाई इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में अगर कोई नया थियरी टॉपिक डाला है उसका क्वेश्चन बैंक से क्या लेना देना क्वेश्चन बैंक का मतलब समझो पहले क्वेश्चन बैंक होता है क्या उसके नाम से ही समझ आ जाएगा और नाम से समझ नहीं आता ना तो एक बार पढ़ लिया करो क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है इंस्टीट्यूट के आज तक के क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब तो समझते हो ना क्वेश्चन फ्रेम का होना तो इंस्टीट्यूट ने जो भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन फ्रेम करके दे रखे हैं टेस्ट योर नॉलेज इलस्ट्रेशन या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन या आरटीपी या एमटीपी क्वेश्चन वो मिलेंगे सिर्फ अगर इंस्टीट्यूट ने कोई थियरी टॉपिक डाला है तो वो टॉपिक है भाई क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन बैंक में क्यों आएगा तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन मेरे को पूछे थे ना ग्रुप में मैसेज डाले थे इनके क्वेश्चन बैंक में तो नए थियरी टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं है नए थेियोरी टॉपिक ही नहीं है तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है आपको रिप्लाई देना बेवकूफी है ठीक है आप कुछ भी करो आपका जिंदगी में कुछ नहीं होना साफ बात है आपको बुरा लगे तो बुरा लगे कोई बात नहीं तो थ्योरी टॉपिक के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ थ्योरी टॉपिक के लिए थ्योरी टॉपिक नोट्स जो कंसेप्ट नोट्स में दे रखे वहां से रट्ट मान्य क्योंकि वहां मैंने हर एक टॉपिक दिया है जो नया टॉपिक है वो भी है जो पुराने टॉपिक थे वो भी है उनके सबके नोट्स लिखे हुए हैं वहां से रटो जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए वो रटे हुए की छाप के आ जाना फुल मार्क्स मिलेंगे तो क्वेश्चन बैंक में सर तो क्वेश्चन क्यों डाले हैं फिर आपने थेरी के वो इसलिए डाले हैं आप लोगों को फॉर्मेलिटी के लिए क्योंकि अगर मैं थेरी के क्वेश्चन नहीं डालता ना क्वेश्चन बैंक में तो आप लोगों में से ही लोग उठ के आ जाते और बोलते कि सर की बुक में तो के क्वेश्चन ही नहीं है इंस्टीट्यूट के एस एमए जो क्वेश्चन है इनके क्वेश्चन बैंक में तो क्वेश्चन ही नहीं होते तो आप लोगों को क्या कभी चैन नहीं मिलता आप लोगों का मतलब मैं आप सबको नहीं बोल रहा आप में से हंड्रेड परसेंट में से नाइन्टी फाइव परसेंट ऐसे बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से ट्रस्ट से भरोसे से पढ़ते हैं जिनको मालूम होता है कि सर क्या कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं फाइव परसेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है उनको बस कमियां निकालनी होती है या बस अपनी कोई भी अलग दुनिया में वो जीरे होते हैं कुछ भी बकवास करनी होती है तो उन लोगों के मैं रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे ये मैं रेफर कर चुका हूं भुगत चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे बच्चे हैं जिनको समझना ही नहीं है वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं ज्यादा समझदार हो तो फिर आप अपना खुद का क्वेश्चन बैंक बनाओ उससे पढ़ो क्यों मेरा रेफर कर रहे हो तो बात ही खत्म है पॉइंट ही खत्म देखो अब आप तो ये आपको मैंने बता दिया थ्योरी के रिगार्डिंग थ्योरी का भी अभी मैं नोट्स वगैरह को और दिखा दूंगा अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की एक और बात करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ए एफ एम की अभी कंप्लीट नहीं हुई है अभी कुछ और बात करनी है सर सारे चैप्टर तो हो गए सब कुछ अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो क्यों नहीं हुए सुनना मे नंबर ट्वेंटी फोर एडिशन क्वेश्चन बैंक का आप सब लोगों के पास है अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं अभी मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है ए एफ का क्वेश्चन बैंक सर ये सब तो बातें क्यों बता रहे हो आपको क्या अभी क्वेश्चन बैंक और बेचने है क्या वो बेचने नहीं बेचने वो एक अलग बात है अभी कुछ और मैटर से मैं बता रहा हूँ जिसमें एग्जाम में दिक्कत आ सकती है बाद में आप उसके रिगार्डिंग भी मुझे बोल दोगे ये क्वेश्चन तो मेरा मैच नहीं हो रहा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लेना अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो एडिशन मिला है वो मे एंड नंबर ट्वेंटी फोर एडिशन मिला है और ये एडिशन लगभग चालीस हज़ार बच्चों के पास है आज की डेट तक यानी आप सबके पास यही एडिशन है इस एडिशन से मैंने आप सब लोगों को लिस्ट दे दी है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आ, मेरा नया क्वेश्चन बैंक ऑर्डर करके बैठे हैं या क्लास लेके बैठे हैं लेकिन उनको अभी क्वेश्चन बैंक डिलीवर नहीं हुआ है का का मैं किन की बात कर रहा हूं? जिनको अभी तक मेरा क्वेश्चन बैंक डिलीवर नहीं हुआ है है येट टू बी डिलीवर्ड जिन्होंने मेरी वेबसाइट से लिया है मार्केट वगैरह से कुछ भी उठाया है उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है साफ बात बोल रहा हूँ मेरी वेबसाइट से लिया है ए का क्वेश्चन बैंक या क्लास और अभी तक उसको डिलीवर नहीं हुआ है क्यों डिलीवर हुआ है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है आपने वेबसाइट पे देखा होगा आउट ऑफ स्टॉक इसलिए क्योंकि पुराना स्टॉक सारा खत्म हो गया जो प्रिंट में था अब मैंने नया लोट प्रिंट में लगाया था आपको बताया था तो उस नए लोट को मैंने रिवाइज एडिशन बोला है मे एंड नवंबर ट्वेंटी फोर रिवाइज एडिशन रिवाइज एडिशन मिलेगा अब आप लोगों को अभी तक के बच्चों के पास तो यही एडिशन अभी तक वाले कोई भी मैसेज मत करना मुझे आप लोगों के पास मे नंबर 24 जो नॉर्मल एडिशन था वही है आप लोगों के पास उससे ये पूरी लिस्ट एज इट इज मैच हो जाएगी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी वो बच्चे जिनको आज आज की डेट से जो रिवाइज एडिशन है वो डिलीवर होना चालू हो जाएगा प्रिंट हो चुका है वो मे एंड नंबर ट्वेंटी छोटा सा वर्ड वो एडिशन लिखा होगा मैं बता देता हूँ कहां लिखा होगा आप जब क्वेश्चन बैंक आपके पास आएगा तो ऊपर कवर ये लगा होगा इस कवर के नीचे अंदर इस कवर के अंदर जस्ट पहला पेज फर्स्ट पेज पे देखो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा रिवाइज एडिशन अगर आपके क्वेश्चन बैंक में ये लिखा हुआ रहे मे एंड नंबर ट्वेंटी फोर रिवाइज एडिशन यहाँ पे ए एफ एम वाले के अंदर ए एफ एम की बात है एफ आर में कुछ नहीं है ए एफ एम में तो आपको जो क्वेश्चन बैंक की लिस्ट देखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी लिस्ट ये काम करेगी दो चैप्टर के अलावा दो चैप्टर कौन से हैं सर एसीबी डिसीजन और आई एफ एम एडवांस कैपिटल बजटिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये वाली लिस्ट रेफर करना फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये वाली लिस्ट रेफर करना कौन से बच्चे जिनको मे एंड नंबर ट्वेंटी फोर रिवाइज एडिशन मिलने वाला है अभी तक के बच्चों के पास चालीस हजार बच्चे जो भी हैं उनके पास ये वाली बुक है जिन्होंने चालीस हजार बच्चे में क्लास और क्वेश्चन बैंक वाले बता रहा हूँ जिन्होंने वेबसाइट से ऑर्डर किया हुआ है मेरे पास से उनके पास मे एंड नंबर ट्वेंटी फोर नॉर्मल एडिशन है आपके लिए यही लिस्ट है लेकिन जो बच्चे ऑर्डर करके बैठे हैं जिनको अभी तक तो क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है आउट ऑफ स्टॉक की वजह से उनको अब मिलेगा रिवाइज एडिशन आप वेरीफाई कर लेना बता दिया मैंने तो आपके लिए भी सेम लिस्ट है बस ये दो चैप्टर एसीबी डिसीजन और आई में ये वाली लिस्ट की मार्किंग करना क्यों क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन बैंक आएगा ना उसमें इन दोनों चैप्टर का सिक्वेंस चेंज हुआ है क्वेंस क्यों चेंज कर दिया क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग अभी मैंने लेटेस्ट करी थी तो आई एफ एम में क्वेश्चन में, तो में रखता था अब में का आ गया, तो मैंने डायरेक्टली डिसीजन चैप्टर में डाल दिया और वहीं पर करवा दिया क्योंकि हो गया तो क्यों उसे मैं आई एफ एम में डालू बिना बाद में तो वो मैंने चेंज किया तो उसकी वजह से थोड़ा सा सिक्वेंस चेंज हुआ है दोनों चैप्टर के अंदर तो इन दोनों चैप्टर में बस सिर्फ सिक्वेंस चेंज हुआ है और

बस ये ध्यान रख लेना और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो ये ए के लिए आप ध्यान रखना ए का मैंने क्वेश्चन बैंक आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट अब देखिए ए के जो मैं आपको थियोरी की बात कर रहा था मैंने आपको बताया में, 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 ए में थियरी हर चैप्टर में क्वेश्चन बैंक में सेक्शन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेक्शन भी थियरी क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक से थियरी कुछ भी नहीं करनी है आप नोट्स जो है अगर ए के नोट्स आपने मंगवाए हैं ए एफ एम के जो नोट्स हैं मैंने आप लोगों को हार्ड कॉपी में अगर आपने ऑर्डर करे हैं तो आपको हार्ड कॉपी मिली होगी कलर वाली वो पूरे कलर नोट्स हैं और बेटर भी यही रहता है कि वो हार्ड कॉपी से ही आप पढ़ें हार्ड कॉपी में क्या पूरा कलर रहता है तो बहुत आसानी से पढ़ाई होगी की वगैरह भी हैं उसके अंदर और आई के लिए तो वही रेफर करने में आसानी रहती है तो वो तो हार्ड कॉपी में ही अवेलेबल है ए एफ के तो वैसे भी तो वो वाले में आपको थियरी कंसेप्ट भी दिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एक बार इसे लोड हो जाने दो फाइल को इसके बाद एक दो चीज और बताते हैं और फिर अपना गाइडेंस पूरी हो जाएगी इससे रिलेटेड देखो अगर आपने हार्ड कॉपी नोट्स लिए होंगे ए एफ एम के तो उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी बना हुआ है सेक्शन ए आपके पास है प्रैक्टिकल कंसेप्ट सेक्शन ए आपको मिला है प्रैक्टिकल कंसेप्ट का और सेक्शन बी थियरी कंसेप्ट तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट में अगर आप देखोगे तो सारे प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स है ना जिन जिन चैप्टर्स में प्रैक्टिकल है वो सारे मैंने यहां पे आपको दिए हैं जो भी चैप्टर में प्रैक्टिकल टॉपिक्स है वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं इस बुक के अंदर प्रैक्टिकल वाले सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए काम में आने वाले हैं फिर सेक्शन बी जब थियरी कंसेप्ट आपका आएगा इस बुक का अब यहां पे देखिए सेक्शन बी थियरी कंसेप्ट थेरी कंसेप्ट यानी जी हर चैप्टर के थेरी टॉपिक्स मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे चैप्टर वन है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इसका ये टॉपिक है एडवांस रोल ऑफ सी एफ ओ ये नया टॉपिक आया था तो इस टॉपिक का मैंने आपको पूरा थेरी टॉपिक दे रखा है और इसमें भी मैंने की वर्ड्स एड कर दिए हैं तो आप जो रेड वाला पोर्शन है ना सिर्फ वो भी रेड के चले जाओगे तो आपको बस एग्जाम में ये टॉपिक आए एडवांस रोल ऑफ सी एफ ओ बताओ तो रेड रेड वाली चीज़ चिपका देना आसपास की लैंग्वेज बनाना फुल मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क हर एक चीज़ यहाँ पर मैंने पूरी दे रखी है हर एक नोट्स में सारे टॉपिक कवर हैं जो एग्जाम के लिए बन सकते हैं बस ये नोट्स रखने हैं ये जो टोटल थियरी कंसेप्ट नोट्स है ना फोर्टी फाइव पेजेस के थियरी टॉपिक नोट्स पूरे एस एफ एम के कंसेप्टोट अराउंड टू फिफ्टी पेजेस के हैं आपके पास जो मैंने रिलीज करें इन ढाई सौ पेजेस में प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी आ गए और थियरी भी आ गए लोग बोलते हैं कि थियरी के नोट्स का है तो के मैंने दे रखे हैं इसी बुक में आपको अलग से कुछ नहीं लेना इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है तो यहां से थियोरी रटनी, रटनी है आपको थियरी एस एफ एम की ए एफ एम की जो थे रटनी है एग्जाम के लिए वो यहां से रटनी है क्वेश्चन बैंक से मत बैठना रटने यहां से रटा मारना सारे नोट्स यहाँ दे रखे हैं और इसमें भी चैप्टर वन टू सेवन और फिफ्टीन मैंने बोले चार चैप्टर है मेन इनमें से थियरी पूछी जाएगी इन चार की रटना नोट थे तो फोर्टी फाइव में आप रख सकते हो ठीक है तो ये दे के, फिर में, हर तरीके के जितने भी टॉपिक है सब टॉपिक की लिखी हुई है। उनको रट लो आप बहुत आसानी से रट सकते हो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बना के दिए फॉर्मेटिंग करके एकदम प्रॉपर तरीके से ताकि आपको रटने में वे आसानी रहे इसके बाद जो प्रैक्टिकल चैप्टर है उनकी भी पूरी प्रॉपर पे तो प्रैक्टिकल चैप्टर में जिन टॉपिक पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्योरी के वो भी दे रखे है पर प्रैक्टिकल में से आएगी नहीं जनरली गलती से कभी आए तो आ जाए थ्योरी जो चार चैप्टर बताए उन्हीं में से थ्योरी जनरली आपको देखने को मिलेगी वो आपको रट के अच्छे से करनी है इसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस की मैंने आपको थ्योरी बोली थी बी कैटेगरी के अंदर तो इसकी थ्योरी भी देख लेना पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पे दे रखी है जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रेलिवेंट रहने वाली है पूरी यहाँ से आप रट लीजिएगा तो यहाँ से थ्योरी रटनी पड़ेगी आपको आपका काम हो जाएगा और ये आप हार्ड कॉपी में रेफर कर लेना तो ये मैंने आपको पूरी बता दी है एफ आर दोनों का एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको बता दी किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करनी है ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई कर दी हैं अब आप लोगों को कुछ और पूछना है तो एक बार पूछ लीजिए कुछ स्पेशल आपकी क्वेरी हो तो बाकी लिस्ट जो है एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एग्जाम तक यहाँ पे भी शेयर हो गई मेरा जो इंस्टा हैंडल है वहाँ पे भी अतुल सर के या सुरेंद्र सर के हाँ तीनों के इंस्टा हैंडल पे शेयर होगी तो आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लेना है यहाँ पर तो यहाँ पे भी शेयर हो चुकी है ऑलरेडी लिस्ट तो यहाँ से आप रेफ़र करना ए एफ एम की भी अभी यहाँ मैं शेयर करवा दूंगा आप लोगों के लिस्ट तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और यूट्यूब पर आपको सारे रिविज़न वगैरह दे रखे हैं तो यूट्यूब चैनल जो है वो भी एग्जाम तक आप सब्सक्राइब करके रख लेना इसके कोई पैसे नहीं लगते एग्जाम तक रखो ताकि आपको जो भी हम गाइडेंस या जो भी सेशन यहाँ पे लेंगे रिवीजन वगैरह के सारे मिल जाएंगे कोई फालतू का वीडियो मिलने वाला नहीं है कि ज्ञानबाजी के फालतू वीडियो मिले कि इंस्टीट्यूट ने पेपर बर्बाद कर दिए इंस्टीट्यूट की चेकिंग खराब है वो सबको मालूम है वो दोबारा दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं होती उन पॉइंट्स पर तो वो वीडियो हम बनाने नहीं बैठते हर बार जो है वो है उसका कुछ नहीं किया जा सकता आप अपनी मेहनत करो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करने का कोई सेंस नहीं बनता ठीक है तो जो चीज़ कंट्रोल में है उस पर फोकस करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा तो उसी पे आप फोकस करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी और वेबसाइट पे जो क्वेश्चन बैंक है नोट्स वगैरह हैं जो एग्ज़ाम डे वैलिडिटी बैच है वो सब यहाँ मिल जाएंगे आपको एफ का एक दो दिन में मैं करवा दूंगा अवेलेबल एग्जाम डे वैलिडिटी बैच तो इसके रिगार्डिंग मैसेज में डालना कि कब आएगा ए का थोड़े टाइम बाद आएगा ठीक है तो उसकी अपडेट बाद में दे दी जाएगी आपको एग्जाम डे वैलिडिटी बैच कि तो ये सब चीज़ें थी आपको जो मैंने बताई और एफ आर से रिलेटेड कुछ मैं आपको पॉइंट्स और बता देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखने हैं जब आप प्रेजेंट करोगे आंसर्स तो एफ में जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जब आप लिखोगे एग्जाम में सॉल्व करोगे तो दो तीन लाइन इंडेक्स की अपनी लैंग्वेज में लिखना कि वो इंडेक्स क्या बोलता है उस प्रोविजन से रिलेटेड इसके अलावा वर्किंग नोट्स आपको आई आई के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे सारे अब आपके आंसर में वो ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकते हैं लाइन वगैरह ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं होती शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ में ले सकते हो अमाउंट के फिगर के मार्क्स होते हैं जनरल एंट्री में टू थ्री वर्ड्स में आप लिख देना अगर जनरल एंट्री के बारे में कुछ ना बोले तो इसके अलावा और एस एफ एम में जो थियरी टॉपिक जब लिखोगे तो अगर मान लो उन्होंने बोला कि भाई इसके बेनिफिट्स बताओ किसी भी चीज़ के तो बेनिफिट्स के पॉइंट पॉइंट्स लिखो अंदर दो तीन लाइन अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप चिपका सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कि पॉइंट लिख के आ गए अंदर खाली छोड़ दिया आपको अंदर दो तीन लाइन लिखनी है तो ये बात और ध्यान रख लेना बाकी तो इसमें और कुछ स्पेशल चीज़ें हैं नहीं ए एफ एम की कंसेप्ट बुक का ऑर्डर मैंने ही बंद कर रखा है क्योंकि वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है तो वो भी प्रिंटिंग के अंदर ही है अभी दो चार दिन में प्रिंट होके आएगी मैं अगर उसको ओपन कर दूंगा तो आप लोग मैसेज करोगे कब डिस्पैच होगी फालतू में तो इसके लिए मैंने उसको अभी बंद ही किया हुआ है अभी ओपन करवा दूंगा मैं और क्वेश्चन बैंक और कंसेप्ट बुक ये जो है ये हार्ड कॉपी में अवेलेबल होते हैं एएफएम के एफआर का जो क्वेश्चन है वो हार्ड कॉपी में कंसेप्ट नोट्स ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो वो पीडीएफ वेबसाइट पे फ्री मिल जाएगी और अगर हार्ड कॉपी चाहिए कलर्ड वाली तो वो आप अलग से ले सकते हो वो कलर्ड वाली हार्ड कॉपी में मिलेगी तो हार्ड कॉपी वेबसाइट से आपको चाहिए तो आप मंगवा लेना और वहीं से आप रेफ़र किया करो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हार्ड कॉपी जो क्वेश्चन बैंक और कंसेप्ट नोट्स होते हैं ना वो आप वेबसाइट से ही मंगवा लिया करो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम वगैरह से वो उल्टे सीधे चैनल से पी उठाते हैं हम लोग कभी शेयर नहीं करते मैं आपको बता दूँ पी नहीं आती हमारी तरफ से या फिर कुछ स्टूडेंट्स मार्केट में कोई प्रिंटर वाले के जा, पास जाके जेरोक्स ले लेते हैं तो आप लोग ऐसा करते हो तो उसमें देखो दो तीन चीज़ें होती हैं एक तो वो लोग बहुत बार आपने नोटिस किया हमने भी नोटिस किया है ग्रुप्स में भी चलता है कि वो आधा कोई पुराना एडिशन लगा दिया कुछ लगा दिया फिर आपकी चीज़ें मैच नहीं होती है एग्जाम में कुछ और आ जाता है फिर आप बोलते हो कि आपकी बुक से कुछ नहीं हुआ तो हमें भी फालतू की गालियाँ सुननी पड़ती हैं दूसरा जो पी वाली चीज़ें जो लोग सर्कुलेट करते रहते हैं या ये सब करते हैं वो कुछ नहीं कर रहे वो एक तरीके से चोरी कर रहे हैं डिजिटल चोरी और कुछ नहीं है आप किसी के घर पर जाके उसका सामान चोरी करते हो तो वो नॉर्मल चोरी वो आपको लगता है ऐसा कह ऐसा नहीं करना चाहिए जबकि यहाँ प्रोफेशनल होके सीए होके स्टूडेंट्स सी ए स्टूडेंट्स होके वो हमारे ही कंटेंट को जो मेहनत से हमने बनाया है उसको डिजिटली स्कैन कर करा के डाल भी रहे हैं अगर मान लो बिल्कुल सही से भी डाल रहे हैं जो सही कंटेंट है तो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डिजिटल चोरी है तो आपको भी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए तो बस मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप आ, कभी भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट मत करो जो एथिकल ना हो कम से कम आप वो चीज़ सपोर्ट करो जो सही हो तो क्वेश्चन बैंक कंसेप्ट बुक के लिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको चाहिए हो तो आप हार्ड कॉपी वेबसाइट से ही ऑर्डर करो आप सौ दो सौ के लिए मत देखो कि मैं पीडीएफ ले लूँ प्रिंट निकलवाने जाओगे वही कॉस्ट पड़ेगी कलर वाली तो निकलेगी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट होगी तो हो सकता है सौ दो सौ रुपये बच जाए क्योंकि हमारे यहाँ से शिपिंग कॉस्ट लगती है उतनी तो बस वो जोड़ रखी है हमने बस सौ दो सौ बचाने के लिए आप उनको ऐसा करो तो वो अच्छा नहीं लगता हमें भी तो ये चीज़ आपके ऊपर है आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमें अच्छा लगता है वरना हमें भी ये लगता है धीरे धीरे हमें भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बढ़ानी पड़ रही है आपने स्टार्टिंग से देखा होगा पहले हम हर एक चीज़ ओपनली दे देते दे थे दे दे। आप लोगों पे ये करके कि ठीक है स्टूडेंट्स है फिर बाद में देखा कि क्या हाल है मार्केट में इसलिए हम भी धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन बढ़ा रहे कि ऐसा ऐसा करके देंगे तो उस अकॉर्डिंग प्राइस वगैरह भी उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी पड़ती है हम भी क्या करें करना ही पड़ेगा जब स्टूडेंट्स ही नहीं समझना चाहते आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए होता है ये मेहनत से बनती है ऐसा नहीं है कि इनमें कोई टाइम नहीं लगता इनमें ही पूरा टाइम लगता है नोट्स क्वेश्चन बैंक बुक बनाने में और उसको ही अगर आप चोरी करा हुआ कंटेंट यूज़ में लोगे हमारा वाला ही पी के फॉर्म में जो लोग दूसरे लोग डाल देते हैं सिर्फ सौ दो सौ बचाने के लिए तो फिर अच्छा नहीं लगता तो बस मेरा एक यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर ये आप यूज़ में लेते हो तो जो वेबसाइट है वहाँ से आप हार्ड कॉपी मंगाओ हाँ अगर आपके मान लो फाइनेंशियल इश्यूज़ है कि आपको सौ दो सौ रुपये भी आपके लिए मैटर करते हैं जो आपके बच जाएंगे उन सोर्सेज से तो आप उसके लिए हमें डायरेक्टली खुद कॉन्टैक्ट कर लो आप हमें खुद मैसेज डायरेक्टली कर दो हमने हमेशा बोला है किसी भी बच्चे को अगर फाइनेंशियल इशू है ना तो आप हमें मैसेज करो हम खुद आपकी मदद करेंगे लेकिन उसके लिए आप ऐसे इलीगल चीज़ों को प्रमोट मत करो आप लोग अगर बंद कर दोगे ना ये सब यूज़ करना तो वो अपने आप ही शेयर करना बंद कर देंगे तो बस वही है कि उन सब चीज़ों की वजह से आप हमारे मन में ये हो जाता है कि क्यों करना फिर ठीक है जो फिर पेड़ है जो क्लास वाले हैं उन्हीं को देना चालू करेंगे उनको ही वो करेंगे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बढ़ा देंगे तो सिर्फ इस वजह से हमने चीज़ें कम करी कि ठीक है ये भी फिर मत दो ये भी मत दो क्योंकि जब स्टूडेंट्स को ऐसी हरकतें करनी है बाकी आपकी मर्जी है वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से क्या करेंगे मैं तो सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता था वो मैंने आपसे करी है एबीसी बी सी ऑडिट वगैरह का भी अभी आ जाएगा ऑडिट डी का तो सर अभी ले, ले लेंगे एक दो दिन के अंदर ही उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको मिलेगी और कम से कम ये लाइव वीडियो में यार इसमें तो लाइव वीडियो में तो लाइक कर दिया करो आप लोग और ए एफ एम के नोट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए पूरे हार्ड कॉपी में अभी कुछ बच्चे शायद मेरे को मैसेज भी करने लग गए कि ए एफ एम के नोट्स का पी डी एफ कहाँ है थेरी वाले टॉपिक्स का तो बिल्कुल भी उनका पी डी एफ नहीं है सिर्फ हार्ड कॉपी में ही अवेलेबल होंगे आप हार्ड कॉपी में मंगवा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो वो पी डी एफ में नहीं आएंगे ठीक है तो उसके लिए मैसेज मत करिएगा जिन्होंने मैसेज किया उनको भी मैं यही रिप्लाई कर रहा हूँ थियरी टॉपिक के जो नोट्स हैं सारे वो हार्ड कॉपी में ही है पूरे एफ एम के नोट्स ही हार्ड कॉपी में टोटल वो पी डी एफ में नहीं होंगे बिल्कुल भी अवेलेबल हैप्पी होली प्रिया जी ऑडिट के रिवीजन वीडियोस आपको बता दिए थे तो सर ने तो जो हमारा छोटा भाई है मेरा एक और छोटा भाई जो बताया था वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी रिवीजन वीडियोस तो अभी डाल देंगे हम आपको अवेलेबल करा देंगे राधे राधे खुशबू जी राधे राधे रितेश जी थेरी सिर्फ नोट्स से ही आपको रट्टा माननी है और नोट्स सिर्फ हार्ड कॉपी में है इंस्टाग्राम पे डाल दिया है मैंने ए बी सी एनालिसिस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट एफआर आर की और टेलीग्राम पे भी उसका लिंक डाल दिया है आप वहाँ से ले लेना और जो स्टूडेंट को आ, मतलब वहाँ पे एक्टिव नहीं है तो आप लोग को यूट्यूब वीडियो से मिल ही रहा है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना ए एफ एम का भी वहाँ मैं शेयर कर दूँगा वहाँ पे ये फाइल अपलोड करवा दूंगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे एग्जाम डे वैलिडिटी बैच एफ का एक दो दिन में आ जाएगा बता दिया है मैंने आपको ऑलरेडी ए का एग्जाम डे वैलिडिटी बैच थोड़ा टाइम लगेगा अभी उसका और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए फिर अपन आज का सेशन ख़त्म करते हैं वाइंड अप करते हैं कुछ स्पेशल क्वेरी आप लोगों को पूछनी हो ए एफ में बस ये ध्यान रख लेना अभी जिनको मिलेगा वो रिवाइज एडिशन मिलेगा तो लिस्ट के लिए बस ये ध्यान रखना इन दो चैप्टर की लिस्ट रिवाइज एडिशन वाले इससे करना और जिनके पास अभी तक का एडिशन है मेन नंबर ट्वेंटी फोर वाला उनके लिए नॉर्मल लिस्ट है ये चीज़ बस ध्यान रखना है ए एफ में एग्जाम पोस्टपोनमेंट वगैरह पे इन दिमाग मत लगाओ पढ़ाई कर लो जो डेट है उस पर आप पढ़ाई करते रहो डी टी आई डी टी सबका एबीसी सी आ जाएगा एक दो दिन के अंदर आप लोगों के पास एएफएम एफ एम थियरी का रिवीजन हो सकेगा तो मैं बना दूंगा एएफएम एफ एम की बुक्स जो है आपका क्वेश्चन बैंक तो अभी स्टॉक में आ गया आज से डिस्पैच होना चालू हो जाएगा जो कंसेप्ट नोट्स है वो आउट ऑफ स्टॉक है एक दो दिन में प्रिंट होके आएगा मैं उसको भी वापस अब चालू करवा दूंगा ऑर्डर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह वेबसाइट पे सारी अवेलेबल है ऑलरेडी कब से चल रही है वो तो नहीं मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज भारती जी राधे राधे मिलन जी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मे ट्वेंटी फोर में एग्जाम है तो फिर तो करनी पड़ेगी लिस्ट रेफर आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास और अगर बाद में है आपका फिर आप शॉर्टकट के चक्कर में जा रहे हो तो, तो फिर सही नहीं है राधे राधे सौरभ जी फ़ोर एक्स का क्या फोर एक्स का क्या है बता दिया ना आपको फोर एक्स सी कैटेगरी है पूरा डिटेल में बात करिए फोर एक्स के बारे में तो मैंने फोर एक्स सोल्यूशन चेंज मार्जिन वाला सोल्यूशन चेंज का वो तो इंस्टीट्यूट गलती थी वो तो पहले ही बताता था मैं हमेशा मार्जिन आपको फाइनल रेट में लेके करना है तो उसी से आपको करते थे तो मैं बोल रहा हूँ ना वो अपडेट मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं आप लोगों को वो कर लेना बस राधे राधे बालाजी राधे राधे निशी जी राधे राधे करण जी ठीक है आप लोगों की को कोई और स्पेसिफिक क्वेरी तो है नहीं वही सेम चीजें चल रही हैं जो वीडियो में मैंने डिस्कस करी है तो आप देख लेना वीडियो को वीडियो यूट्यूब पे रहेगा एग्जाम तक आप ज्वाइन करके रख लो बस यूट्यूब चैनल टेलीग्राम इंस्टाग्राम वगैरह अपडेट्स के लिए बाद में हटा देना चलिए आज के लिए बस इतना ही